आपके बायो से उसके बाद आपका जो सेशन होगा दैट इज फॉर द्री एंड आफ्टर दैट इट इट विल बी फॉर योर टीचिंग और आपका जो सी डी पी का सेक्शन होता है तीसरा सेक्शन होता है उसकी फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे तो so स्टार्ट करेंगे हम आपका बायोलॉजी से तो so, जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए सो वी कैन अटेंड और वी कैन स्टार्ट मॉक टेस्ट फॉर टीजीटी कमीशन मेडिकल स्ट्रीम और सब्जेक्ट इज़ योर बायोलॉजी तो जल्दी से कनेक्ट करके मुझे बता दीजिए कि एम आई ऑडिबल टू एवरी वन और नॉट गुड आफ्टरनून शिल्पा एम आई ऑडिबल ओके जी थैंक यू सो लेट्स स्टार्ट आर सेशन ऑल द वेरी बेस्ट आपको सेशन हर बार की तरह ऐसे अटेंड करना है जैसे आप एक क्वेश्चन पेपर में आप बैठे हैं और आप एक क्वेश्चन पेपर ही अटेंड कर रहे हैं आपको उसी हिसाब से अपना एग्जाम

आंसर जरूर करना है जो भी आपको लगता हो ठीक है और अगर स्किप करना है तो आप यू कैन राइट ओवर देयर कि स्किप कर रहे हैं आप या आप उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं सो ऑल द वेरी बेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनालेंस यानी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर कहां से आपका क्वेश्चन इट इज फ्रॉम योर एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम से आपका पहला क्वेश्चन है और इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले एनालिज में ही एक्सप्रेस किया जाता है सिफेलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू सिलो मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर बोथ टू एंड थ्री यानी कि बी एंड सी एनालिज में सबसे पहले क्या देखा जाता है हां जी ट्रू सिलोम है सिफिलाइजेशन है डी दैट इज योर ट्रू सिलोम ठीक है एनालिट में ट्रू सिलोम भी होता है और सिफिलाइजेशन क्या होता है करेक्ट आंसर इज डी दैट इज

ट इज दोस्ट क्रूशल रीजन फॉर दस सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोडोड के लिए क्या है आपकाउंड मल्टीपर्पेंडिज मोस्ट क्रूशल रीजन क्या है इमेंस सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोर्ट क्यों मानते हैं हम आर्थ्रोपोर्ट सक्सेसफुल क्यों है हांजी एशा के अकॉर्डिंग इट्स ए और शिल्पा के अकॉर्डिंग भी इट्स ए ओके एनीबडी एल्स क्या लगता है आपको क्या आंसर हो सकता है इसका सी दैट इज कंपाउंड आई जितना पार्टिसिपेट करोगे जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा मुझे भी बुक्स मिलेगा कि आप लोग ध्यान से सुनते हैं सेशन को या आप अटेंड करते हैं एंड यू पीपल रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम तो फिर जितना इंटरेक्टिव होगा जितने भी बच्चे इस वक्त लाइव हैं जितने लर्नर्स आप लोग देख रहे हैं प्लीज रिप्लाई ताकि आपका जो सेशन है और आपका जो जितना इंटरेक्टिव होगा ना उतना ज्यादा अच्छा होगा हार्डली मैटर्स अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है ठीक है तो इससे क्या होगा गलत हो सही हो आपको आइडिया लग जाता है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे सो ये नहीं सोचना है कि सामने वाले के जो दूसरे रिप्लाई कर रहे हैं उनके सही हो रहे हैं हमारे तो गलत है हमें नहीं आता ऐसा नहीं होता ठीक है तो ऐसा ना ही आपको करना है आप अपनी तरफ से आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है ठीक है हाँ जी so the correct answer for this question is obviously option number a that is your chitinous exo skeleton exo means outer surface pe aapka jo skeleton hota so it is for the immense success of your arthropods theek hai external aapka skeleton jo protect karta hai unko physical harm se और enable करता है ताकि उनको moisture hold कर सके और oxygen भी तो ये दो आपके important है that is your moisture and your ऑक्सीजन दोनों के लिए दो असेंशियल आपके सर्वाइवल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इज़ नॉट वैलिड फॉर अ के लिए इसमें से क्या स्टेटमेंट जो है है वो सही नहीं नॉट वैलिड ट्रू नहीं है तो पहला ऑप्शन है आपका बॉडी जो है इट इज सेगमेंटेड इन टू हेड विस्ट मास्क या फिर फुट दूसरा है आपका तीसरा है आपका मेंटल कैविटी uh, जो है वो गिल्स का प्रेजेंट है और स्ट्रक्चर जो है वो नेफ्रिडिया है तो मुलास्क का नॉट वैलिड मतलब जो मुलास्क में नहीं चलेगा वेरी गुड की पार्टिसिपेटिंग नए नए स्टूडेंट्स नए नए लर्नर्स का मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं मतलब कि दे आर रिप्लाइंग थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग ओके okay. सो so, आपके अकॉर्डिंग द आंसर इज योर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो इनका नेफ्रीडिया नहीं होता मतलब इट इज नॉट वैलिड फॉर योर जर्नलाइज मोलास्क आंसर इज ए बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू हेड विस्ट मास एंड फुट ठीक है जी इनके पास टिपिकली जो है वो सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती अनसेगमेंटेड बॉडी होती है जो यूजुअली कवर्ड बाय बाई अर्ट ठीक है, तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। आपको बताना ये सेकेंड लास्ट आपका फाइलम इसके इसके आप आ जाता तो इसमें से आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है दैट इज अ ट्राई पार्टाइट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टोमोकॉर्ड रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड या ग्लैंड नॉट सीन इन हेमिकॉर्डेट्स हाँ जी ए दैट इज ट्राई पार्टाइट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और डी दैट इज प्रोव ग्लैंड ओके के अंदर नहीं होता ट्राइपार्टाइट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और आपका जो है वैसे उनके अंदर तो स्टोमॉड भी नहीं होती इज नॉट सीन इनिकॉर्ड ठीक है तो जो आपका ये है फाइलम है आपका दैट इज योर है इसका आंसर जो है ट्राइपार्टाइट ठीक है बॉडी प्लेन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री सेंट्रल रीजन ठीक है जी प्रोबोस्टिस होता है कॉलर

जो ट्राइपार्टाइट जो होती है वो डिफरेंट होती है अदर ऑर्गेनिज्म से ये अराइज होती है आपकी कहां से मीजोडर्मल दिस वन योर मीजोडर्मल ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है मीजोडर्मल ओरिजिन सो तो जो आंसर होगा आपका दैट इज योर कम समझ आ रहा है क्या कम समझ आ रहा है आपको बताइए देखो

द बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से आपकी ओरिजिनेट होती है डी दैट इज ब्लास्टोसी ओके ए सुडोसिलोम और ए जी ए एनी वन एल्स जो आपका मीजोडॉम्स पेटोपस को क्या कहते हैं आप दैट इज सिलोम ओरिजिन आपको अगर आपने क्लासेस अटेंड किया या आप में से कोई एनरोल्ड है या चाहे आपने सेल्फ स्टडी भी की है आप जब क्लास इलेवें के अंदर एनसीआर देखेंगे एनिमल किंगडम उसके अंदर है वहां पर जो आपको कैविटी दिखाई गई है वो दो तीन तरह से दिखाई होती है एक होता है सिलोम एक में आपको सिलोम है एक सूडो सिलोम है और एक आपका ए सिलोम है ठीक है तो एक सिलोम होता है जिसके अंदर आपकी क्या होती है जो मिजोडम से सेंटर में होती है फिर आपका एक सूडो होता है जो आपको खाली खाली बीच में दिखता है और एक होता है आपका ए सिलोम जिसके अंदर कैविटी बीच में सेक्शन जो है वो प्रेजेंट होता ही नहीं है तो उसको हम कहते हैं ए सिलोमेट तो अगर आप चाहे तो इसको आप रेफरेंस वहां से भी देख सकते हैं एनसीआरटी के अंदर आपको ये क्लियरली दिया गया है एनिमल किंगडम के अंदर सो द आंसर इज योर बी दैट इज योर सिलोम जो ऑरिजिन होगा मिजोराम से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन आर फाउंड इन वेरी सिंपल एंड अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि कॉनोसाइट जो है वो आपके कहाँ पर मिलते हैं आउटर एपिथीलियम में यानी बाहर वाली तरफ इनर अंदर की तरफ मिजोक्लियक स्ट्रक्चर है आपका वहां पर है या फिर आपके स्पॉन्जोसील के अंदर कॉनोसाइट आप कहा देखते हो प्रेजेंट कहाँ होते हैं फाउंड फाउंड मतलब उनकी जो लोकेशन है वो आपको बतानी है कॉनोसाइट्स के अंदर कॉनोसाइट्स की आपको लोकेशन बतानी है स्पॉन्जोसील, ओके करेक्ट आंसर इज़ योर बी दैट इज़ एपिथीलियम, फाउंड स्पॉन्जोसील तो आपकी कैविटी है जो आपकी स्पॉन्जिस के अंदर होती है जहां पर आप देखते हो ऑस्टिया यही है ना ऐसे ही होता है ऑस्टिया ऑस्टिया से फिर स्पॉन्जोसील कैविटी आपकी आती है वो कैविटी है

सीलन ट्रेड्स को अदर मेटाजोआ से कंपेयर करें तो सीलन ट्रेड्स के पास ऐसा क्या है जो इनके पास नहीं होता है या होता है मतलब आपको दोनों में डिफरेंस बताना है दैट इज नेमेटोसिस्ट गेम्यूल्स रेडियल सिमेट्री या पॉलीमॉर्फिज्म सीलन ट्रेड्स के अंदर जो है वो ऐसी क्या एक्स फैक्टर है या ऐसा कौन सा करेक्टर है जो और अगर हम औरों की बात करें मेटाजोन्स की तो वो नहीं होता रेडियल या फिर आपका तो उसके लिए क्या होगा देखो अगर आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड करना चाहते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है तो पहले आपको चारों के चारों पता होना चाहिए जो गेम्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके आपने कहा पढ़ा है गेम्यूल्स आपने पढ़ा है ये प्लांट किंगडम के अंदर भी पढ़ा है आपने ठीक है दे आर दी पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्शन रेडियल रेडियलिट्री क्या है आपकी कि किस तरह से आपकी बॉडी जो है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है बायोलिट्रल और रेडियल दो ही तरह की की है हमने. का मतलब होता है, जब वो क्या है आपके एक दे आर योर क्या है वो निमेटोसिस्ट देआर लाइक स्टिंगिंग सेल्स है वो ठीक है जो आपके किसके लिए रिसेप्टर या कैप्चर करते हैं आपका

अगर आपको लगता है कि ये चीज जो है आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं उसको दोबारा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट दॉट्यूसा स्टेज दिस वन अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन इसके पास इनमें से डज नॉट है दो तरह की स्टेज होती है आपकी पॉलिप और दूसरी होती है मेड्यूसा इनमें से किसके पास मेड्यूसा स्टेज नहीं होती बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना बहुत सिंपल बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है जेलीफिश हाइड्रा ओबेलिया या कोरल्स किनके पास मेड्यूसा मेड्यूसा स्टेज होती है शेप ठीक है और जो आपकी दो है जैसे पॉलिप है दैट इज योर आपका थोड़ा सा कैसा होता है वो यंग स्टेज है और उससे ऊपर जो एडल्ट स्टेज है उसको मेड्यूसा स्टेज कहते हैं तो इस पे एडल्ट स्टेज किसके पास नहीं होती है जेलीफिश हाइड्रा ओबेलिया कोरल्स डी और कोई और कोई रिस्पोंड करना चाहता हो पार्टिसिपेट करोगे तभी पता चलेगा बी दैट इज हाइड्रा ओके गुड और कोई हां जी नेहा और बिंदु आप पहले रिस्पोंड करते वेयर इज ईशा आप रिप्लाई करना चाहते हो इनके पास इन ऑप्शंस में से किसके पास मेड्यूसा स्टेज नहीं होती ओके सो द करेक्ट आंसर इज योर बी दैट इज हाइड्रा इसके पास होता है आपका पॉलिप स्टेज ज्यादा डोमिनेंट स्टेज जो होती है वो इसके अंदर कौन सी होती है आपकी दैट इज ऑफ हाइड्रा तो हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर हाइड्रा के पास इसके पास मेड्यूसा स्टेज नहीं होती है फ्रेश वॉटर होती है दैट इज कॉल्ड एज योर पॉलप हाँ जी हाइड्रा हाइड्रा इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट अ ट्रिप्लो अनसेगमेंटेड एनिमल विद अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कुड बी ठीक है इसमें तो आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि ये हाइड नहीं हुआ है सो द करेक्ट आंसर इज इट इन दी ऑप्शन नंबर अब तो दिख ही रहा है कौन सा ऑप्शन है

ठीक है तो ये आपका जो आंसर था यहां से साफ दिख रहा था अगर आप अटेम्प्ट कर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए दैट इज राउंड इज करेक्ट आंसर ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच एनिमल हैज अ मॉडिफाइड है ना अब आपको देखना है कि कौन से वो मॉडिफाइड मेंटल कैविटी टू एक्सपेल वॉटर विद फोर्स अब यहां पर इस ऑप्शन में ऐसे कौन से आपका एनिमल है जो एक्सपेल यानी कि बाहर निकालता है पानी विद फोर्स मेंटल कैविटी के थ्रू तो वो आपको यहाँ पर बताना इज स्नेल ओस्टर स्क्विड और काइट और काइट कौन सा होता है आपका या चिटॉन जिसको आप बोलते हो इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्सपेल आउट करता है वाटर को दैट इज स्क्वेड ओके और कोई और कोई जवाब देना चाहता हूं नेहा स्क्वेड ओके निशा के अकॉर्डिंग इट्स स्क्वेड ठीक है और टल कैविटी से मॉडिफाइड मेंटल कैविटी से जो वॉटर को एक्सपेल आउट करते हैं विदर्स सी अकॉर्डिंग टू एस डी क्लासेस इट्स सी स्क्वेड ओके और कोई जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए पेपर में आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा एग्जाम को क्वालिफाई करना उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है के अकॉर्डिंग इट्स ए स्नेल, ओके। और कोई ओके okay, जी ए ठीक है ओके सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली आंसर नंबर सी और ऑप्शन सी दैट इज

उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक नाथा है क्या अगर आपको एक नाथा पता है तो फिर आप इसका रिस्पॉन्स जो जो अच्छे से कर सकते हैं तो आपके एक नाथा जो है वो क्या नहीं है पैरासाइट जॉलेस माउथ पेयर्ड फिर आपका हॉर्नी टीथ विच वन इज द करेक्ट आंसर नॉट अ फीचर ऑफ एगनाथा ध्यान से ध्यान से ध्यान से क्वेश्चन को देखो नॉट अ फीचर ऑफ एक That is B jawless jawless mouth और देखो देखो ऑब्वियसली जो चार ऑप्शंस होंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट होंगे मतलब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं आपको इन ऑप्शंस में से वो क्वेश्चन वो अब वाला ऑप्शन चुनना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा यानी कि जो हंड्रेड परसेंट जो है वो नहीं होगा कुछ चीजें आपके एक्सेप्शन में भी होती हैं ठीक है ठीके? तो एक्सेप्शन वाला वो चीज नहीं करना है आपको एक ऐसा ऑप्शन इसमें से चूज करना है जो बहुत ज्यादा क्लोज होगा ठीक है तो जैसे कि अब पैरासाइट की तरह रहते हैं वो या वो जॉलेस माउथ है उनके अंदर या हॉर्नी टीथ फीचर नहीं है या फिर पेयर्ड फिंस इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है तो जो बहुत ज्यादा रिलेटेड होगा जो बिल्कुल क्लोज होगा जो लगेगा हमें कि हाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं होता कहीं पे भी नहीं होता इवन देर इज नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन फॉर दिस ऑप्शन वो आपका ऑप्शन जो होता वो करेक्ट हो जाता है अब बताओ आंसर ओके ए डी सी बी 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 है ओके सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी दैट इज पेयर प्रिंस ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव टीथ बट आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पेयर्ड फिन्स क्योंकि पेयर्ड फिन्स ही होते हैं दे आर टोटली एब्सेंट इन टू द एगनाथा ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज योर सी दैट इज पेयर्ड फिन्स तो जो एगनाथा है जो आपका फीचर एसोसिएटेड है दैट इज योर पेयर्ड फिन्स दे आर यूजुअली एब्सेंट इन टू द एगनाथा ठीक है ये सुपर क्लास है जॉलेस फिश तो है ही ये जॉलेस फिश है जॉलेस फिश है ठीक है और जो इंक्लूड करती है आपकी लैम्प्रेज एंड हैट फिश, जबकि आपका एक नाथा जो है ये आपका जॉलेस माउथ पैरासाइट्स है जॉलेस माउथ इनका होता है, ठीक है और आपका पैरासाइट तो नॉट अ फीचर बताना था आपको ये सारे फीचर्स जो आपने बताया वो फीचर्स हैं तो ये फीचर्स हैं और ये फीचर्स नहीं है तो नहीं में कौन सा है आपका दे डू नॉट पेयर्ड फिन्स इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि जो आपको एक ना था टीथ नहीं होते हैं उसमें नॉट पूछा था अगर पूछा होता कि फीचर तब आपका आंसर तब तो सारे आंसर होते वो पैरासाइट भी हैं वो जॉलेस माउथ भी है उनके अंदर ठीक है और आपका हॉर्न टीथ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो नहीं है दैट इज योर पेयर्ड फिन्स ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पोंजेस अब आपको इसमें से स्पॉन्जिस का फीचर बताना है जो फीचर है नहीं है नहीं देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है नॉट पूछा है या इज पूछा है यानी कि आपसे कैरेक्टर की प्रेजेंस पूछी है या कैरेक्टर की एब्सेंस पूछी है पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है पहले क्वेश्चन को एक नहीं दो नहीं तीन बार पढ़ो ताकि तीन बार में आपको उसके जो है फीचर्स भी आपके माइंड में रिकॉल हो जाए तो अब यहाँ देखो यहां पूछा है स्पॉन्जिस का कैरेक्टर यानी कौन से प्रेजेंट होते हैं तो उसमें अब आपको बताना है कि क्या है टिश्यू लेवल प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट स्पॉन्जेस के अंदर का फीचर आप बताओ स्पॉन्जेस में क्या होता है हाँ जी स्पॉन्जेज सबसे पहले आपके ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल किंगडम के अंदर तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा ऐसे एलिमिनेट करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो टिश्यू लेवल होगा क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेल से शुरू होता है ठीक है सेलुलर लेवल से शुरू होगा एनिमल किंगडम की जो स्टार्ट है किंगडम पॉरीफेरा से जब हम शुरू करते हैं पॉरीफेरा में हम हमेशा स्पॉन्जेज ही पढ़ते हैं तो क्या जो पॉरीफेरा है वो आपका टिश्यू लेवल है या उसमें ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं या एक्स्ट्रा सेलोर डाइजेशन है सेल से बाहर डाइजेशन होती है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए स्पॉन्जेस का हां जी नोबडी जी क्वेश्चन है ट्राई टू अटेम्प्ट टिश्यू लेवल होगा पहले ये बताओ मुझे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा हां जी डोब इज गॉन आंसर क्या इसके अंदर टिश्यू लेवल होगा हाँ जी शिल्पा ईशा अभिषेक दुष्यंत नोबडी नोबडी वॉन्ट्स टू आंसर इज अ फीचर ऑफ जो स्पॉन्जेस है इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका दैट इज बी प्रेजेंस ऑफ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के बाद आती है आपकी स्पॉन्जोसिल सो so जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका हाँ सेल्यूलर होता है सो so, जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया ऑस्टिया स्पंजस का जो है वो करेक्ट फीचर है हां जी बी इज दी करेक्ट आंसर दैट इज योर प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया स्पंजस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंगनिमल्स आर प्राइमरली फाउंड इन मरीन वाटर बट प्यू आर इन फ्रेश वॉटर इसमें से आपको बताना है कि इनके मैक्सिमम जो होते हैं आपको हिंट दिया गया है कि ये जो ऑप्शन है इनके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके एनिमल्स है दे आर फाउंड इन टू दरन वाटर यानी सोल्टी वाटर में और कुछ ही उसकी स्पेशीज होती है वो आपकी फ्रेश वॉटर के अंदर पाई जाती है तो वो कौन से है एनलिड पॉरिफेरा मोलास्क और कॉर्डेट मैक्सिमम जो होगी वो मरीन वाटर में और कुछ आपकी फ्रेश वाटर के अंदर होगी करेक्ट आंसर इज योर सी मोलास्कूर फ्रेश और वो भी देखो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर सो द आंसर इज योर सी दैट इज मोलास्क इसकी मैक्सिमम जो है प्राइमरली मरीन वाटर है और कुछ ही स्पीशीज आपको इसकी फ्रेश वाटर में दिखेगी मोलास्क करेक्ट आंसर ठीक है तो आपके एनिमल्स जो हैं फाइलम के और कुछ आपके वो होते दैट इज योर मोलास्क ठीक है जिसके अंदर आपके ये आते हैं स्नेल्स क्लैम्स स्क्वेज और ऑक्टोपस तो मेजोरिटी जो होती है दे आर फ्रॉम दी मरीन वाटर हाँ जी इज दी करेक्ट आंसर ज अलेंड्रिकल फॉर्म इसमें से किसकी सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है फाइसेलिया अडेम्सिया हाइड्रा या फिर बोथ आपके अडम्सिया एंड हाइड्रा ठीक हाँ okay, है हां जी विच एनिमल हैज हैजिलड्रिकल फॉर्म दैट इज टू एंड थ्री ओके डी यानी कि बी और सी आपके अडेम्सिया एंड हाइड्रा आपके अकॉर्डिंग ये आंसर है ओके सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑब्वियसली डी दैट इज टू एट थ्री नाउ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट ओके वेरी गुड गुड अटेम कोरलोज ऑफ जो आपकी बनी होती reeds, जिनको हम कहते है उनका जो स्केल्डर सिस्टम जो किससे बना है कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट क्लोराइड किससे बना है Corals have a skeleton composed of option A, that is CaCO3. Okay, so the correct answer is your obviously A, calcium chloride. Hanji, correct. Again, a very good attempt. Nice. Okay, next is your among eukaryotes. रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन डीएनए की रेप्लीकेशन पर होती है यू कैरियॉक्स के अंदर कौन से उसमें होती है जी टू फेज फेज या फिर आपका जी वन फेज रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए डीएनए खुद को रेप्लीकेट कहां पर करता है जी टू फेज एम फेज एस फेज या जीवन फेज हां जी गुड वेरी गुड करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी दैट इज एस फेज नाइस अगेन अ वेरी गुड अटेम्प्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्टिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स नहीं होता है ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिविजन अब माइटोटिक सेल डिविजन क्या होती है आपकी माइटोटिक के अंदर क्या होता है आपका जी दिस इज कॉल्ड एज योर इक्वेजनल डिविजन इक्वेजनल डिविजन इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू दी ऑफ स्प्रिंग यानी कि पेरेंट सेल से आपके डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं तो यहां पर आपको बताना है कि माइटोसिस इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कभी भी सही नहीं होती माइटोसिस के लिए डी तो आपके अकॉर्डिंग इट्स डी दैट इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम सी दुष्यंत के अकॉर्डिंग इट्स सी मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू द अपोजिट पोल्स ओके देखो माइटोसिस और मियोसिस में कुछ चीजें कॉमन है माइटोसिस और मियोसिस में एक ही डिफरेंस है वो डिफरेंस कौन सा है अगर आपको वो डेफिनेशन का पता है तो आप क्वेश्चन का जो है दिस इज ऑफ योर सेल तो आपको यहां पर बताना है कि कौन सा जो है आपका नहीं होता है माइटोसिस में नहीं सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम क्योंकि ये आपका किसका पार्ट है ज दार्ट ऑफ योर मियोटिक डिविजन यानी मियोसिस के अंदर आपका ये होता है उसके अंदर प्रोफेस के अंदर फर्दर आपका डिवाइडेड होता है सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट इज योर रिगार्डिंग म्योसिस विच स्टेटमेंट इज इन अब आपको यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है मियोसिस को ध्यान में रखना है और मियोसिस के अंदर कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है फोर हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं मियोसिस टू में या मियोसिस के अंदर दो स्टेजेस है मियोसिस वन मियोसिस टू इनकरेक्ट बतानी है डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होती है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस एंड रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यूरिंग मियोसिस वन कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है गलत है मियोसिस को लेकर च डेफिनेशन इज इन करेक्ट बहुत ध्यान से जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा बहुत ध्यान से जब ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको इसमें गलती नजर आ जाएगी ध्यान से ऑप्शन को पढ़ो आपको पता चल जाएगा कि इन ऑप्शन में क्या गलती है इनकरेक्ट जल्दबाजी नहीं करनी है ऑप्शंस को पढ़ो चार हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं मियोसिस के अंदर टू के अंदर ठीक है फिर बोला है कि मियोसिस के अंदर दो स्टेजेस होती है मियोसिस वन मियोसिस टू फिर ये कह रहा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो एस फेज में होती है मियोसिस टू के करेक्ट आंसर इज योर सी दैट इज ये वाला ये गलत है क्योंकि एस फेज जो है वो मियोसिस का पार्ट नहीं है इट इज द पार्ट ऑफ योर

लैप्टोटीन जाइगोटीन पैचटीन डिप्लोटीन कब होती है पेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स? करेक्ट आंसर इज बी दैट इज दिन हाँ जी करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी दैट इज इज द करेक्ट आंसर के अंदर तो जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है स्पिंडल फॉर्मेशन से रिलेटेड है अब आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि स्पिंडल के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है तो पहले बात करता है कि जो स्पिंडल है वो आपका बना होता है एक्टिन और मायोसिन से दूसरा है कि इसके अंदर होता है मेटाफेज प्लेट के अंदर और ये माइक्रोटिब्यूल से बना होता है जो सेपरेट करते हैं आपको क्रोमोजो को एंड्स पे और या फिर लास्ट वन इट ऑरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल्स ऑफ सेंट्रियोल्स बताओ ट्रू ऑफ स्पिंडल ट्रू बताना है आपको क्या होता है स्पिंडल स्पिंडल फॉर्मेशन के बारे में बताना है पिंडल फॉर्मेशन के बारे में सही स्टेटमेंट बतानी है आप

या ऑल ऑफ दी साइनो साइनाप्टोनिमिल कॉम्प्लेक्स कहां पर बनता है कहाँ दिखता है आपका बेसिकली अपियर हां जी कहां पर दिखता है बी जाइटिन स्टेज पे साइनापिस आंसर इज डी हर जगह जब आपके डीएनए प्रोटीन बनती तब भी साइन आपसे पेयरिंग होती है आंसर नंबर डी ठीक है और जाइकोटीन में भी बनता है पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे हैं, आपके तो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी इफ अ डिप्लोइड सेल इज ट्रीटेड विद कॉलेसिडिन इट बिकम्स क्या बनेगा कॉलेसिन से अगर उसको आप डिप्लॉइड सेल को यानी टू सेल है टू है अगर उसको किसी के ड्रग के साथ ये ड्रग है आपका ठीक है तो ये क्या बनेगा ट्रिप्लॉयड या मोनोप्लॉइड। अगर आप डिप्लॉइड सेल को किसी ड्रग के साथ ट्रीट करवाते हैं तो डिप्लॉयड सेल कब बनता है जब सेल डिवीजन होती है देखो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप क्या करोगे अब आपका जो ड्रग्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है उसको मल्टीप्लाई करना

टाइट्राफ इज दी करेक्ट आंसर जो इनहिबिट करता है स्पिंडल्स की और वो प्रिवेंट करेगा सेपरेशन जिसकी वजह से आपके चार सेट्स ऑफ क्रोमोजोम बन जाएंगे तो ड्रग है जो इनहिबिट करता है आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स यानी आपकी सेल डिविजन तो होगी लेकिन प्रॉपर नहीं होगी फटाफट जल्दी जल्दी फास्ट कर देगा मेटाबोलिज्म और क्या करेगा सेल डिविजन के अंदर जो आपकी फॉर्मेशन होती है होमोलोगस ऑर्गन की या जो सेपरेशन है क्रोमोजोम्स की उसको स्टॉप चेक इन कर देता है

जितनी जल्दी आंसर करोगे उतनी जल्दी हम आगे मूव करेंगे अब बिना आंसर के मूव करना तो फिर वो टेस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा हाँ जी सो द करेक्ट आंसर इज योर एक्सचेंज ऑफ पार्टस ऑफ होमोलोगस होमोलोग ठीक है तो जो आंसर है आपका वो होता है आपका पेयर्ड होमोलोगस के अंदर एक्सचेंज ऑफ पार्ट होता है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं और ये क्या कहलाया जाता है आपका क्या करता है और nucleolus begin to disappear at. है और ये कब होते हैं होता है, mitosis. Endoplasmic नहीं भी याद रहता तो न्यूक्लियोलस तो आपको याद रहेगा ही कौन सी स्टेज में जो है वो डिस होना शुरू हो जाता है लेट प्रोफेज अर्ली मेटाफेज लेट मेटाफेज या प्रोफेज, होना शुरू हो जाता begins. Not disappeared. देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बिगिन टू डिस दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क है आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है लेट प्रोफेज अर्ली मेटाफेज लेट मेटाफेज या अर्ली प्रोफेज बिगिन तो हो जाता है वो डिसक्ट आंसर नेक्स्ट इज हाइपोकैलसेमिया में लीड हाँ टू किसको लीड कर सकता है हाइपो कैलसेमिया हाइपो कैलसेमिया का मतलब क्या है या किससे हो सकता है आपको दैट इज योर हाइपो का मतलब क्या होता है और कैल्समिया किडनी स्टोन ओके सो द कर आंसर इज यसली टेटना जैसे भी आप इसको बनाउंस करते हैं दिस इज योर इट के टेटने डिक्रीज आयनाइज कैल्शियम लेवल इन टू दी ब्लड ब्लड में जब वो हो जाता है उसको कहते हैं हाइपो मतलब कम द पाइवट जॉइंट बिटवीन दस एंड एक्सिस एटलस के बीच में जो पाप का पिवट जॉइंट है या एक्सिस के बीच में उसको हम क्या कहते हैं फाइबर्स जॉइंट ठीक है joint, या फिर आपके साइनोवियल जॉइंट या आपके सेडल जॉइंट्स या कार्टिलेजिनस जॉइंट पिवट जॉइंट बिटवीन दी एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ किस तरह का जॉइंट है ये फाइबरस साइनोवियल Cartilaginous B. Correct answer is your B. Synovial joint. Allow the considerable movement of your bones and muscles. Okay.

हॉर्मोन से कौन सा हॉर्मोन है सी ओके जी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज एपिनेफ्रिन जी करेक्ट गुड वन द ब्रेक डाउन ऑफ विच ऑफ दीज कंपाउंड इज नॉट इंड्यूस्ड बाय नॉर एपिनेफरिनफरिन नॉर एपिनफर जो है दे आर योर हॉर्मोन्स ठीक है इमरजेंसी हॉर्मोन्स के अंदर आते हैं इसमें से किसका ब्रेक डाउन जो है वो नहीं किया जाता की वजह से ग्लूकोज दे पाओ जब, हमारी के अंदर, पहले वाला जो था, जब रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर यानी कि आपका इमरजेंसी हार्मोन एपिनेफ्रिन उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर एक और हार्मोन रिलीज होता है इमरजेंसी कंडीशंस होती है जब आपकी बॉडी के अंदर फास्ट होती है तो बॉडी जो है ब्रेन जो है वो आपका करता है ग्लूकोज का ठीक तो है और आपकी बॉडी के अंदर का ग्लूकोज भी यूज हो रहा है अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा कि जो नहीं इंक्लूडेड है आपका नॉर एपिनेफ्रिन के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं जो भी आपका इमरजेंसी हार्मोन होता है जब भी उसका वो होता है आपका जब भी वो रिलीज होता है आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल ब्लड प्रेशर लेवल भी इंक्रीज करता है और ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज करता है यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी बढ़ेगा इंसुलिन कम हो जाता है आप बताओ हाँ जी द करेक्ट आंसर इज अपे दे आर फैट फैट का कोई लेना देना नहीं है ब्रेन जो है वो आपका प्रोटीन और आपके ग्लूकोज uh, दोनों को यूज करता है नेक्स्ट इज वट कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम अ लैक ऑफ हॉर्मोन्स Produced by adrenal cortex. अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स से आपका हॉर्मोन रिलीज नहीं होगा तो किस तरह का डिसऑर्डर डिस जो है वो होना लैक ऑफ हॉर्मोन क्या होता है आपका लैक ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूसड बाय द good evening good evening Sahil Hanji so the correct answer is your obviously option number C that is Addison disease hanji correct answer take next is what is the exact location of adrenal gland adrenal gland key exact location batani, above the kidney between the lungs around the trachea at the base of hypothalamus. एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है आपको एड्रेनल ग्लैंड की अबव द किडनीज बिटवीन द किडनीज अराउंड ट्रैक या एट द बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस दाइपोथस जी सो द करेक्ट आंसर इज योर ए दैट इज अब द किडनीज जी बोथ किडनीज के ऊपर जो होता है एग्जैक्ट लोकेशन आपकी

थायरोक्सिन हाँ जी जल्दी इंटरेक्ट बहुत टाइम सोचने में नहीं है थायरोक्सिन का काम नहीं होता थायरोक्सिन और थैरोइड का होता है गले में

का, कौन सी स्पीशीज से होता है एस साल्मोनेला जिन या फिर सॉरी फ्यूजेरियम या फिर स्पीशीज कहा से होता है एफ्रोटक्स प्रोड्यूस ये तो आना चाहिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एफ्रोटॉक्सन इज प्रोड्यूस्ड बाई ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर एस्परजिलस स्पीशिस ठीक है सो फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर इसमें से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है हाँ जी ए या बी या सी डी करेक्ट आंसर इज योर ए दैट इज यानी ड्रग एडिक्शन ठीक है कोई बात नहीं ऑप्शन इज़ करेक्ट वन नेक्स्ट इज प्रिवेंशन बोटलिज्मिज्म क्या है किससे रिलेटेड है और ये क्या इन्वॉल्व करता है

आपके कंपाउंड। ट्राइकोडर्मा जो है, इट इज हेल्पफुल फॉर किसके लिए हेल्पफुल होता है आपका ट्राइकोडर्मा स्पेशस बायो रेमिडेशन के लिए जीन ट्रांसफर के लिए रिक्लेमेशन के लिए या कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजेंस के लिए जी, जी, जब हो रही होती है हमारी जो फोटोरेस्पिरेशन जब हो जाती है तो ग्लाइकोलेट जो है ये कन्वर्ट होता है आपका शरीर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर किस तरीके से कहां पर माइटोकॉन्ड्र क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल या प्रोक्सिजोम ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट ये आपका, आपका आप सेल चैप्टर के अंदर भी आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है सो द करेक्ट आंसर इज ये डी वेरी गुड एट्सिजो ठीक है ओके विच मॉलिक्यूल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड इन सी फोर पाथवे सीफोर होता है, है। so, your, okay. C4 C4 होता ना करेंट एनोटोमी उसके अंदर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ वाइंड अप होती है ग्लिसराल्डिहाइड के साथ राइबुलोज के साथ या फॉस्को यानी कि आपका पीपीए या फिर आपका पीपीपीपी बोलते हैं उसको फॉस्फोफिनॉल पाइरोविक एसिड या पीपीए और लास्ट पर जो सिट्रिक एसिड किसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइंड अप होती है या फिर कंबाइन करती है सी प्लांट्स के अंदर सी Glyceride, या फिर राइब्यूलोज बायफॉस्फेट या एक ही मतलब होता है। है? या फॉस्फोइनॉल के साथ करेक्ट आंसर इज दैट इज फॉस्फोइनॉल पारिक हां करेक्ट है नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की वो इंडिपेंडेंट नहीं होती लाइट के ठीक है ये क्वेश्चन देखो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटो चाहिए, उनको light? या नहीं चाहिए आपको ये पता होना चाहिए डार्क रिएक्शन कौन सी है फर्स्ट है यानी पीएस वन या पी एस टू है पहले ये तो पता ये पता होगा उसके बाद ही आप इसका आंसर कर सकते हैं इसलिए नहीं जरूरत होती है क्योंकि वो आपके कहा होते हैं they utilize the products of light reaction very good to iske hisab se iska answer kya banta hai presence of light inhibits the reaction ya fir wo kyun nahi hote correct answer is your d they utilize the products of light reactions theek hai haan ji d is the correct answer next which family has many plants that are c4 types sabse zyada kaun si family ke andar c4 type ke plants hai ab c4 type matlab मतलब they are dependent obviously हमने पहले पढ़ा कि they utilize the products of light reaction तो इसमें से आपको बताना है कि डिपेंडेंट वाले कौन से हैं यानी कि फैमिली के अंदर मालवेसी सोने से क्रूसिफर आए या ग्रामिन डिपेंडेंट फॉर दी यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज डी ग्रामिने ग्रामिने इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट द प्रोसेस मेकिंग दि सिग्निफिकेंट

फोटो रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस होगा फोटो रेस्पिरेशन का ओके इट एनहांसमेंट इफ़ेक्ट एंड रेड ड्रॉप दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ रेड ड्रॉप का जो इफेक्ट है या आपका इमरसन एनहांसमेंट इफेक्ट जो है उनकी वजह से किस चीज की डिस्कवरी हुई है दो फोटो सिस्टम की डिस्कवरी हुई है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन की हुई है या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन्होंने किसकी इन दो इफेक्ट्स की वजह से किसकी डिस्कवरी हुई है ऑप्शन ए बी सी डी हां जी डी स्किप ओके ऑप्शन नंबर ए दो फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली पी एस वन और पी एस टू ये जो आपके फोटो सिस्टम है दोनों ठीक है ओके सो द नेक्स्ट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है वो जो लाइट इंडिपेंडेंट होती है वो कहां पर होती है आपकी रिएक्शन था फोटो सिस्टम टू वन मैट्रिक्स

कि वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ लाइट को जो है फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं या फिर वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ट्रांसफर करते हैं एनर्जी या फिर प्रोटेक्ट करते हैं रिएक्शन सेंटर कोसली ऑप्शन डी क्योंकि सारी चीजें जो होती है वो आपकी असेसरी पिगमेंट्स करते ही करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पीरियड पर नेक्स्ट इज द बॉडी एब्जॉर्ब मिनरल वाया बॉडी जो होती है यानी कि प्लांट बॉडी की बात हो रही है प्लांट बॉडी जो है वो minerals absorb करती है वो मिनरल्स करती किसके थ्रू स्टेम्स ब्रांचेस रूट्स लीव्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन दैट इज योर रूट्स हां जी सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट कौन सी हाइपोथेसिस बनी थी ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जो प्रोसेस है स्टोमेटा स्टोमेटा मूवमेंट मूवमेंट प्रोसेस ऑफ़ ओपन और क्लोज होते हैं इसमें से कौन सी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है इसके बारे में शुगर स्टार्च या पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थे हाँ जी प्रोसेस ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट आंसर नंबर ए स्टार शुगर इंटर कन्वर्जन थ्यूरी स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना Next is the person who founded plant physiology is Plant physiology Ko kisne invent hai? Stephen ne, ne Calvin ne, ya Lipman ne? Answer is your A, Stephen ne Stephen Hales is the correct one Or the scientist who have founded the plant physiology नेक्स्ट इज प्लांट रूट सिस्टम ग्रोज वेल प्लांट रूट सिस्टम ग्रोज वेल वेन देयर इज रूट सिस्टम सबसे ज्यादा ग्रो कब करता है जब कॉपर की डेफिशिएंसी होती है वाटर एब्जॉर्ब होता है जल्दी ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होता है या एबीए डेफिशिय में रूट सिस्टम हाईली डेवलप्ड कब होगा

डिफ्यूजन डिफ्यूजन से वॉटर पेनेट्रेटिंग रूट बाई डिफ्यूजन इज ऑप्शन नंबर सी पे डिफ्यूजन के थ्रू हां जी कर डैश प्रोवाइड प्लांट्स विद हाइड्रोजन क्या प्रोवाइड करता है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है प्लांट्स को हाइड्रोजन प्लांट्स विद हाइड्रोजन प्लांट्स विद हाइड्रोजन सो दुडे से तो ये आपके फिफ्टी क्वेश्चन है जो आपके रिलेटेड थे किससे बायोलॉजी से ठीक है एंड मोस्टली स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेटेड जी कैसा था पेपर हाउ वॉज द लेवल ऑफ द पेपर आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर हाउ वॉज द लेवल ऑफ द एग्जाम पहले तो अभी तक जितने मॉक हुए हैं आपको दो या तीन जो भी हमारे मॉक टेस्ट हुए हैं वो हमें कंपेरेटिवली ईजी लगे होंगे दे वर मॉडरेट दिस लेवल वॉज वट वॉज द लेवल ऑफ द एग्जाम क्या लेवल था आपके मॉक टेस्ट का बायो के मॉडरेट टू हायर और हां जी क्या स्कोर किया आपने चैप्टर करना करने चैप्टर वाइज कर लेंगे चैप्टर वाइज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब आपका सेल है सेल चैप्टर में 50 क्वेश्चंस करना सेल चैप्टर के क्या बनेंगे वो साइंटिस्ट पे वो ये वो बट वी कैन ट्राई ठीक है आपके इट्स ओके शिल्पा इफ अगर यहाँ पे भी आपके 50 प्लस आ गए हैं तो इसका मतलब uh, 50% से अबव ही है 50 में से 25 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक होना मतलब

एंड अमिता जो कॉन्टियसली रिप्लाई कर रहे हैं साहिल यू आर रिप्लाइंगली क्लास सो देखो जितना पार्टिसिपेट करते हैं हार्डली मैटर्स आज गलत हुए हैं जब आप टफ लेवल कर लेंगे तो जब आपके और लेवल्स आएंगे तो फिर आप उनको भी इजिली कर लोगे अब अगर आपको साइंटिस्टर ऐसी चीजें आती है तो ये यूजली हम करके ही जाते हैं एनिमल किंगडम आई ट्राई टू परोर क्वेश्चन फ्रॉम योर एनिमल किंगडम क्योंकि इट इज द इम्पोर्टेंट वन एंडेस्ट एज वेल फॉर द मेडिकल स्टूडेंट एज वेल फाइन एनिमल किंगडम के क्वेश्चन में ज्यादा कर दूंगी एनिमल किंगडम के साथ यू कैन ट्राई सम एक और टॉपिक भी आप एड कर सकते हो और एनिमल किंगडम के साथडम uh, क्योंकि सम एनिमल्स प्रोटिस्टा इंक्लूड सम एनिमल जो आपके एक्वाटिक होते हैं डन तो जब आप रिजेंपल करके पढ़ोगे ना तो क्योंकि अगर आपको पता होगा कि एनिमल किंगडम से ही आना तो फिर आप वैसा ही ध्यान लगा के रखोगे बट अगर दो किंगडम करोगे तो कन्फ्यूजन तो भी तो जरूरी है तभी तो प्रैक्टिस होगी जितना दिमाग चलेगा जितनी कंफ्यूजन होगी उतने ज्यादा डाउट्स आएंगे और उतनी ज्यादा आपकी मेहनत लगेगी और उतने जल्दी आपको क्वेश्चन जो होंगे वो क्लियर होंगे सो दैट इज ऑल फॉर टूडे सेशन फॉर बायोलॉजी थैंक यू एवरी वन है तो अभी इसके बाद आपका स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का सेशन ऑल द वेरी बेस्ट फोर एवरी वन थैंक यू

हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ सो सेशन स्टार्ट करें फिर बायो का सेशन आपका हो गया अभी आपने बायोलॉजी के फिफ्टी क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट किए हैं गुड इवनिंग अभिषेक सो लेट्स स्टार्ट विथ केमिस्ट्री मॉक टेस्ट ठीक गुड इवनिंग एवरी ओके सो दिस मॉक टेस्ट फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम द केमिस्ट्री दिस इज स्पेशल फॉर द एच पी टी कमीशन एग्जाम जहाँ पे हम केमिस्ट्री के अभी फोर्टी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जैसे कि मैंने पिछली ही बार कहा था कि आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मेटलर्जी वाले चैप्टर से और साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर से रहेंगे सो लेट स्टार्टीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे और हर स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना है चाहे फिर वो मेडिकल बैकग्राउंड से है चाहे फिर वो नॉन मेडिकल से है केमिस्ट्री जो है वो हमारी सेम रहती है सो लेट स्टार्ट With question question number one, and here is the the first question, that two electrons occupying the same orbital are distinguished by कि जो भी आपके पास ऑर्बिटल है उसमें टू इलेक्ट्रॉन रहते हैं ठीक है वो सेम ऑर्बिटल में होती हैं ये कौन सा जो आपके पास क्वांटम नंबर है वो डिफाइन करता है azimuthal quantum नंबर

प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी शायद ये क्वेश्चन है आपका तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो भी आपकी रेशियो रहती है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ द प्रोटोन वो आपको क्या देखने को मिलती है ध्यान से इट इज वन रेशियो टू या फिर कुछ और तो नहीं है इसमें क्योंकि हमें पता है जो मास का डिफरेंस है वो कितना रहता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर देना वन रेशियो श्योर है इस चीज को लेके और कुछ किसी का कोई आंसर ऑप्शन ए के अलावा ओके ऑप्शन सी सो यस हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी अब वो किस तरीके से रहता है यहाँ पे ये यह आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स 10 मासन टू पावर माइनस रहता है और इलेक्ट्रॉन का भी हम सभी को पता है So, जब आप इसके की ना, तो ये 1.8 के आसपास आता है सो so, उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर देखने को मिलेगा क्लियर और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन वैसे तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके पास कॉमन था उसी से जो है Uh, आपकी कैथोड uh, रेज और एनोड रेज जो है वो ओरिजिन uh, हुआ था उनका एनोड रेज का और एनोड रेज जो है उनको कैनाल रेज भी कहा जाता है पॉजिटिव रेज भी इन्हें कहा जाता है वी कैन से दैट कि प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी है वो यहीं से देखने को मिली थी तो आप क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो एनोड रेज का नेचर है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे सिर्फ रेसिड्यूल गैस पे या डिस्चार्ज ट्यूब पे या फिर ऑल ऑफ द सभी का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है बट आई मस्ट से कि प्लीज एक बार थोड़ा सा ध्यान से को देखो क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रोड्स मैटर करते हैं वहां पे डू यू थिंक इलेक्ट्रोड्स मैटर करेंगे एक आंसर ही यहाँ पे सही है इट इज नॉट ऑप्शन डी इसके अलावा आप आंसर बताओ कि क्या चीज वहां पे मैटर करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नेचर ऑफ रेजिड ट्यूब देखो डिस्चार्ज ट्यूब से तो हमें कोई लेना देना नहीं है ना क्योंकि वो तो ट्यूब है हम तो वहां पे गैस को डालेंगे गैस पॉजिटिव देती है या कैसे वहां पे एनोड रेज कितनी डिस्कवर uh, ओरिजिन uh, हो रहा है वो चीज मैटर करती है तो हेयर द राइट आंसर इज वॉट दैट इज ऑप्शन बी इट इज नॉट अबाउट द इलेक्ट्रोड इट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर रहेगा इट इज नॉट अबाउट द इलेक्ट्रोड्स क्योंकि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो आपके कैलोमल के ही बने होंगे चाहे किसी के भी बने हो बट दैट दैटेंट मैटर यहाँ पे जो सही आंसर है वो रेजिजुअल गैस वाला रहेगा क्लियर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी वन है द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाय पॉजिटिव जिंक आयन विद मास नंबर सेवेंटी बताओ इसका आंसर कि आपके पास जो है एक डाई पॉजिटिव जिंक आयन है ठीक है उसका जो मास नंबर है वो सेवेंटी है बट आपसे यहाँ पे न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछा जा रहा है तो है तो कुछ नहीं है जिंक है उसका मास कितना होता है आपके कितना मास दे रखा है दैट इज सेवेंटी एटोमिक नंबर कितना रहता है दैट इज थर्टी सेवेंटी माइनस थर्टी करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास यस दैट इज ऑप्शन बी फोर्टी इज द राइट आंसर बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन बी क्योंकि यहाँ पे बेशक इन्होंने जिंक टू पॉजिटिव पूछा है तो वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के केस में यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलनी थी तो यहाँ पे जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन होती है दैट इज 4s2 तो यहां पे जब टेन इलेक्ट्रॉन्स तो जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करने थे क्लियर सो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दर आइसो इलेक्ट्रॉनिक one another. आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि आपको इन ऑप्शन में सेम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके सामने हैं, थोड़ा ध्यान से देखो और फिर बताओ आंसर यस एक आंसर आ गया दैट इज द ऑप्शन ए ओके अभी ना मैंने जब स्टार्टिंग में किया था तो वहां पे एक बच्चा था जिसने लिखा था केमिस्ट्री नहीं आ रही है उनको मैं फिर भी आपसे कहूंगी शायद साहिल था उनका नाम आप एक बार थोड़ा अटेम्प्ट करने का ट्राई तो करो क्या पता आपके क्वेश्चन जो है वो वहां पर सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए सो यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन तभी जो है वो एक कॉन्फिडेंस आता है सो so येस yes, सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है दैट इज द ऑप्शन ए बिल्कुल टेन और वहां पे इलेवन माइनस वन करोगे तो टेन जो है वो वहां पे आंसर देखने को मिलेगा सो दैट इज ठीक है बिल्कुल सही आंसर है ये ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स रदर स्पोर्ट अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट रदर फोर्ड अल्फा स्केटरिंग के बारे में सभी जानते हैं जहां पे न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बारे में पता चला था थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट अल्फा रेस स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसे कहा जाता है सो so बताओ कि इससे हमें किस चीज के बारे में जो है वो पता चला था ठीक है सो so यहाँ पे ऑप्शन ए बी ओके देन सी भी आ रहा है उसके बाद बी ओके बी ठीक है सो so, पहले बात करूं तो मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड नहीं तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन्स स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस सो जिनका जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है दिस इज द राइट आंसर दैट इलेक्ट्रॉन्स द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ये बिल्कुल सही था न्यूट्रॉन्स आर वे डीप इन द न्यूक्लियस तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था ठीक है और द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विद मैटर कैन बी प्रिसाइसली डिटर्मिन सो नहीं ऐसा भी कुछ वहां पे नहीं देखने को मिला था साहिल गुड इवनिंग ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन दिस इज बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे है बोहस मॉडल कैन एक्सप्लेन तो बताएंगे इसका आंसर कि बोहस मॉडल ने किस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी आपके पास ऑप्शन है कि सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम उन्होंने बताया था इन शॉर्ट लिमिटेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है नेक्स्ट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली या फिर सिर्फ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे पे ध्यान से क्योंकि हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या फिर उन्होंने सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था तो ऑप्शन डी तो डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा अब आप बताइए आंसर थोड़ा सोच के ए बी या फिर सी एक आंसर आ चुका है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट तो, कर, okay, so yes, right कर पाए थे जहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट था सो so, बिल्कुल सही सभी का आंसर सही है वेरी नाइस nice. अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉन जम्प फ्रॉम एल टू के तो देखो सबसे पहले होती है केशियल फिर आती है एल फिर आती है एम फिर आती है एन क्योंकि हमारी जो शेल्स है वो इस तरीके से होती है तो ये केशियल है ये एल शेल है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अब जम्प कर रहा है फ्रॉम एल टू के मतलब की ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो बताओ वहां पर क्या होगा एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी ध्यान से सोच के बताना जरा इसका आंसर हाँ जी एनर्जी समटाइम्स देखो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही कट है ए या बी में से होगा तो देखो जब लोअर से हम जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में ये ग्राउंड स्टेट है एक्साइटेड स्टेट है तो यहाँ पे क्या होता है हमें एनर्जी की जरूरत होती है लेकिन जब हम वापस आते हैं तो वहां पे क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है सो दैट इज वाई ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा सही आंसर रहेगा यस yes, अभी ठीक है सभी का आंसर दैट इज ऑप्शन बी ओके गुड ियम इज बि पार्टिकल एक्सट्रीमली पेंट्रिएटिंग रेडियशन विच कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिकॉल मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन आउट दीज आर कौन सी रेज थी वो बैरिलियम के साथ अल्फा पार्टिकल रे एक्सपेरिमेंट किया गया था तो वहां पर ऐसी रेज निकली थी जिनकी पेंट्रिएटिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा थी और ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होती थी ना ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो किस टाइप की चीजें जो है वो वहां पे एग्जिस्ट करती थी आ, ध्यान से सोच के आंसर देना का सी दैट इज आंसर गिवन बाय ज्योति ओके देखो प्रोटॉन्स तो वहां पे ऑब्वियसली नहीं होंगे अल्फा रेज तो वहां पे यूज की जा रही है तो वहां पे अल्फा रेज की पेंट्रिएटिंग पावर क्या होती है सबसे कम होती है एक्सरेज का वहां पे कोई लेना देना था ही नहीं क्योंकि इनका जो यूज है दैट इज फॉर द डिफरेंट थिंग्स क्लियर तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या रहेगा दैट इज द न्यूट्रॉन इन शॉर्ट हम उसे गामा रेज भी कह सकते हैं और हमें पता है कि गामा रेज जो है उनमें न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल्स होते हैं जिनकी पेंट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है और वो डिफ्लेक्ट भी इतने अच्छे से नहीं होते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है क्लियर सो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा सही आंसर रहेगा नाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइमन सीरीज आर प्रेजेंट आज देखो पांच सीरीज होती हैं तो यहाँ पे Lyman के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस फील्ड में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सो यूवी आई आर फॉर आई आर या फिर विजिबल तो यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ रहा है इसके अलावा किसी और का कोई आंसर यस ओके सो हेयर द राइट आंसर इज वॉट बिल्कुल सही ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है दैट इज द अल्ट्रा वॉलेट फील्ड में जो है हमें लेमन सीरीज देखने को मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन डी ब्रॉगली इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप ऑफ बेबलन एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स इन शॉर्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे पूछी जा रही हैं तो जल्दी से मेरे को फॉर्मूला भी बता देना और साथ में आंसर भी बता दो यहाँ पे कि क्या आंसर देखने को मिलेगा आई थिंक सभी को इसका आंसर पता है formula भी बताओ जल्दी से अब जो यहाँ पे रिलेशनशिप होता है वेवलेंथ का और साथ में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वहां पे ऑप्शन सी हां जी बिल्कुल ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑब्वियसली मोमेंटम रहता है व्हाट इज द फॉर्मूला दूच सी बाई लैमडा हाँ अगर आप इसे चेंज करेंगे तो वहां से जो है वो मोमेंटम आपके पास देखने को मिलेगा दैट इज ऑप्शन सी जो है वो यहां पे क्या रहेगा सही आंसर रहेगा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डी ब्रोगली इक्वेशन अप्लाइज जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है ना दैट इज इज लैम टू एच वाई एम वी वो स्पेशली किसी किसके लिए जो है वो एप्लीकेबल रहती है ऑप्शंस हैं आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिर्फ न्यूट्रॉन्स के लिए सिर्फ प्रोटॉन्स के लिए या फिर जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं उन सभी के लिए बताओ डी इक्वेशन किस चीज के लिए अप्लाई की जाती है हां जी बताएंगे इसका आंसर यस yes, एक आंसर आया दैट इज द ऑप्शन डी इसके अलावा किसी का कोई भी आंसर आप आंसर कर दो तो कोई बात नहीं गलत होगा तब भी देखा जाएगा आंसर करो बस ओके इज़ ऑप्शन डी सो यस हेयर द राइट आंसर इज वॉट दैट इज ऑप्शन डी कि जितनी भी मटीरियल बॉडीज मोशन में है उनको जो है वो डी ब्रोगली इक्वेशन से हम एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल ठीक ऑब्जेक्ट इन मोशन नाउ द नेक्स्ट इज इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एच ऑन फोर्थ बाइ ये हमें पता है कि इसका इक्वेशन होता है तो यहाँ पे जो डेल्टा पी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ठीक सो so, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एच अपॉन फोर पाई रहता है और ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेयर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी साइमल्टेनियसली कि हम एक साथ उनको मेयर नहीं कर सकते हैं सो हेयर द राइट आंसर इज वॉट

स्पेस अराउंड द द द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ़ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेव या फिर नन ऑफ दीज ओके दैट इज प्रोटीन है ना ये बी ए एंड देन बी ओके बाकी बाकी कई आंसर्स भी आने चाहिए यहाँ यहां पर राइट आंसर इज वॉट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्रोबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिम इट इज नॉन एज दर्बिटल ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में बहुत बार हमने इसका डिफरेंस स्टडी किया हुआ है सो हेयर डायरेक्ट आंसर दैट इज द ऑप्शन बी ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज in a given atom no two electrons can have the same value for all the four quantum number और ये चीज जो है वो किसके द्वारा डिस्क्राइब करी गई थी तो बताओ कि ये किसने कहा था कि गिवन एटम में नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम क्वांटम सेम वैल्यू फॉर द फोर क्वांटम नंबर बताओ इसका आंसर दैट इज कौन सा था ये डी अनु बी अच्छा शिल्पा डी ओके आंसर करो अगेन ठीक बताओ सो हेयर द राइट आंसर इज दिन डी इज द राइट आंसर क्योंकि के according, हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं कौन सी शेल पहले आती है कौन सी शैल बाद में आती है इस चीज को स्टडी करते हैं और यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका क्या रहेगा पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज द राइट आंसर यस सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आई नो कि बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है तो चलो इजी है लेकिन और और हंड्स रूल मल्टीप्लिसिटी में मैक्सिमम टाइम सबको जो है वो कंफ्यूजन रहती है सो यहाँ पे सही आंसर जो है वो क्या है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ द्वेंटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट मतलब कि आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा अरेंजमेंट जो है वो गलत है ओके सो यू हैव टू टेल मी द रॉन्ग स्टेटमेंट हेयर कि कौन सा यहाँ पे गलत रहेगा मतलब जो एप्लीकेबल uh, नहीं है तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ जहाँ पे एन इजिकल्स टू थ्री है एल इजिकल्स टू टू है तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहा है एम एल की वैल्यू जो है वो माइनस टू से लेके प्लस टू तक जाएगी और प्लस हाफ माइनस हाफ भी रहेगा तो आई थिंक ऑप्शन वन तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है नेक्स्ट अगर बी में यहाँ पे मैं बात करूँ फोर है तो हाँ वैल्यू जो है वो जीरो के लिए जीरो भी रहेगा माइनस हाफ भी रहेगा अब यहाँ पे ऑप्शन सी देखो थ्री है एल की वैल्यू तो सही है टू है लेकिन अब खुद सोचो क्या टू के लिए माइनस थ्री वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है और अगर ऑप्शन डी की बात करूं तो यहाँ पे अगर फाइव है तो ठीक है एल की वैल्यू थ्री तक भी जा सकती है बट थ्री के लिए 0 भी possible है, यहां पे पे तो तो ये चीज़ तो देखो, यहां पे C option exist नहीं करेगा, so here the right answer is option C. क्योंकि अगर एन की वैल्यू थ्री है एल की वैल्यू टू है तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन और प्लस टू तक जाएगी सो आई थिंक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और डी की बात रही तो माना ठीक है फाइव है फाइव से जो है वो जीरो वन टू थ्री और फोर तक जा सकते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस फोर से लेके प्लस फोर तक जाएगी तो जीरो भी एग्जिस्ट करेगा सो दैट इज वाई डी ऑप्शन फिर भी एप्लीकेबल है बट सी ऑप्शन इज नॉट एप्लीकेबल ठीक सो यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज क्वांटम नंबर

ऑप्शन ए बिल्कुल सही है साइज शेप एंड द ऑरियंटेशन सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा द ऑप्शन ए चल नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपके पास द शेप ऑफ टू पी ऑर्बिटर इन शॉर्ट आपसे पी सबसे शेप के बारे में यहां से पूछा जा रहा है तो स्पेरिकल किसकी रहती है S ब्लॉक uh, जो आपके पास S स्पेयर होता है उसकी क्या रहती है आपके पास स्वेरिकल एलिप्स में किसी की भी नहीं रहती है सो so, यहाँ पे पिरामिडल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है पिरामिडल कब होता है अभिषेक ओके okay, सो so यहाँ पे सही आंसर क्या है दैट इज द ऑप्शन सी डम्बल शेप जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है सो दैट इज वाई ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा सही आंसर रहेगा ओके नाउ द नेक्स्ट इज करेक्ट आउटर कंफिग्रेशन ऑफ द क्रोमियम इनमें से क्रोमियम के लिए सबसे सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है बताओ इसका आंसर की कौन सी जो है वो यहाँ पे सही शेप रहेगी आपकी क्रोमियम के नंबर के बारे में पता है ना सबको कि क्या नंबर रहता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर जो है वो आपका रहेगा हाँ ट्वेंटी फोर अटोमिक नंबर है लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है डाटा थ्री डी फाइव फोर एस वन एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों क्योंकि हाफ जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है तो उसके हिसाब से यहां पे क्या आंसर रहेगा यस बिल्कुल सही दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके नाउ द नेक्स्ट ने हाँ जी बिल्कुल ठीक नेक्स्ट है वेन थ्री डी ऑर्बिटल इज कंप्लीट द न्यू इलेक्ट्रॉन विल एंटर द तो बताओ जब थ्री डी इलेक्ट्रॉन जो है वो भर दिया जाता है तो थ्री डी के बाद कौन सा आता है फिर ऑप्शन 4p 4f 4s या 4d यस yes, 4s अ मतलब दैट इज ऑप्शन ए अ 4s तो हमारे पास ऑप्शन सी है ना हाँ जी और बाकी 4p ऑर्बिटल दैट इज ऑप्शन ए ओके बाकी इसके अलावा किसी और का कोई आंसर ऑप्शन ए ओके सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज द 4p ऑर्बिटल तो यहाँ पे क्या था थ्री डी ऑर्बिटल के बाद आपके पास क्या आता है 3D. 3D के बाद जो है वो आपका क्या रहेगा? ऑर्बिटल जो है वो देखने को मिलेगा and this is according to the principle. Okay, बिल्कुल ठीक फॉलोइंग सेट ऑफ इज नॉट पॉसिबल तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्वांटम नंबर के बिहाव से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो आंसर बताएंगे यहाँ पे आपके सामने सारे के सारे ऑप्शन है यस yes, बहुत ईजी है मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई दिक्कत आएगी क्योंकि सामने से दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा सो यस आंसर बताएंगे ऑप्शन डी अच्छा ठीक है इसके अलावा किसी और का कोई आंसर दैट इज ऑप्शन सी हम्म अरे खुद सोचो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो कभी भी जीरो नहीं रहता है या तो ये पॉजिटिव हाफ रहेगा या तो ये नेगेटिव हाफ रहेगा सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि जो सी ऑप्शन है वो आपके पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है ये yes, बिल्कुल सही साहिब साहिल आ तो रही है मिस्ट्री, फिर इतना डरते क्यों आप केमिस्ट्री से सो सी इज द राइट आंसर बिल्कुल ठीक चलो नेक्स्ट देखते हैं द ऑर्बिटल विद मैक्सिमम एनर्जी इनमें से किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी थ्री डी फाइव पी फोर एस या फिर 6D. Uh, ये भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही है यू जस्ट हैव टू टेल मी कि किसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी तो यहाँ पे एन की वैल्यू सबसे ज्यादा एक ही केस में है प्रॉब्लम तो तब आती है जब एन की वैल्यू सेम हो जाती है सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज सिक्स डी के लिए जो है वो सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगी एनर्जी देखने को मिलेगी नेक्स्ट है आपके पास ओके okay, कहता है द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर एज द आइसोबार तो तो ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं जहां पे मास नंबर जो है वो आपका सेम रहता है सॉरी मास नंबर जो है वो डिफरेंट रहता है बट एटॉमिक नहीं एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है मास नंबर वहां पे सेम रहता है दैट इज द आइसोबार्स कहते हैं उनको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि जैसे आपके पास है इस तरीके से आता है ये आर्गन दैट इज अठारह उन्नीस और बीस और यहाँ पे आता है चालीस चालीस और चालीस तो यहाँ पे क्या है नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर क्या होता है यहाँ सेम uh, तो उनको हम कहते हैं आइसोबार और रीजन क्या है द सम ऑफ प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द आइसोबार इज ऑलवेज डिफरेंट तो यहाँ पे uh, किसका क्या आंसर आया दैट इज ऑप्शन बी इफ अ अस्टरेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स सो यस राइट आंसर इज ऑप्शन टू ऑप्शन है वो आपकी बिल्कुल सही है बट रीजन जो है वो आपका यहाँ पे क्या होगा, False होगा. ठीक है सो so, तो असर्शन था क्योंकि it is all about the isobars, but ये जरूरी नहीं है कि सम ऑफ प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो हमेशा डिफरेंट ही रहे वहां पर चीजें जो है वो डिफरेंट भी होती है कॉन्स्टेंटली भी रहती है ये yes. सो so, यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका क्या रहेगा इट इज नॉट ए और बी इट इज अबाउट द ऑप्शन सी ठीक क्योंकि रीजन जो है वो यहाँ पे गलत दे रखा है इसका। उसे क्या कहा जाता है? तो मेटलर्जी तो बहुत बार पढ़ रखी है आज भी क्लासेस लगाई हैं आपने दूसरे चैनल पे जहां पे मेटलर्जी ही टॉपिक था सो so, बताओ फिर इसका आंसर क्या है कि जब भी कोई भी नेचुरल चीज में से आप किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो प्रॉफिटेबली भी सही है इकोनॉमिकली भी सही है उसे क्या कहा जाता है तो ऑब्वियसली बात है ए या बी में से एक होगा सो यस बी इज द राइट आंसर दैट इज ओर उन्हें क्या कहा जाता है ओर कहा जाता है बिल्कुल ठीक नेक्स्ट है आपके पास मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी को किस वे में जो है वो डिफाइन किया जाता है ऑप्शन है कंसनट्रेशन ऑफ रोस्टिंग ऑफ द मेटल फ्रॉम द या फिर एडिंग कार्बन टू द ब्लास्ट फर्नेस सो यस बताओ व्हाट इज मेटल अर्जी मेटलर्जी प्योर फॉर्म कि हमने किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है और उसकी प्योर फॉर्म तक उसको लेके आना है सो यस हेयर द राइट आंसर इज वॉट दैट इज ऑप्शन सी एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द ओर ओके सभी का आंसर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है नेक्स्ट है आपके पास क्रायोलाइट इज वट इज द फॉर्मुला ऑफ द क्रायोलाइट यस प्लीज बताएंगे इसका आंसर दैट इज मैग्नीशियम सिलिकेट सोडियम बोरोफ्लोराइड सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सिलिकेट क्रायोलाइट जो है वो किसकी ओर है साथ में आप मुझे ये भी बताएंगे बताओ इसका आंसर यस सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज एन ए एल एफ सिक्स इज द राइट आंसर और एल्यूमिनियम की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट और है ये सो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है यस ऑप्शन बी नहीं रहेगा सोडियम बोरोइड नहीं फॉलोइंग स्टेटमेंट द इन करेक्ट वन इज की इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट जो है वो आपकी कौन सी है जैसे फर्स्ट है कि जो कैलामाइन रहता है टाटा जो जिंक मैं नहीं बताऊंगी कैलामाइन क्या होता है अब कैलामाइन एंड सिड्राइट आर द कार्बोनेट्स मनु मॉक टेस्ट डेली जो है वो तीन बजे ही स्टार्ट होता है बट वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है जैसे वो टाइम टेबल के हिसाब से होगा कि मंडे को शायद आपका आर्ट्स वालों के लिए होता है जहाँ पे आर्ट्स के सब्जेक्ट रहते हैं देन नॉन मेडिकल फिर मेडिकल वो इस तरीके से चीजें चलती हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या था कैलामाइन एंड सिड्राइट आर द द्वार्बोनेट्साइट अर्जेंटाइट अर्जेंटाइट एंड आर ऑक्साइड ठीक है 27 का बी एक आंसर आया ओके जिंक एंड पाइराइट्स आर द द एंड एज्यूराइट आर ओर्स ऑफ कॉपर तो ये ये वाली स्टेटमेंट ना बिल्कुल सही है मैल और एज्यूराइट कॉपर की ही जो है वो ओर्स हैं कैलामाइन और सिड्राइट की बात करू तो ये कार्बोनेटेड ओर्स हैं ये भी बिल्कुल सही है

कि जो भी सल्फाइड ओर्स रहती है उन्हें इन ऑप्शन में से किसके द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है सो so, यस yes, बिल्कुल सही हैंड uh, पिकिंग yes, से तो कर नहीं सकते ग्रेविटी सेपरेशन जो है वो स्पेशली डेंसिटीज के ऊपर डिपेंड करती है मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेट्स वालों के लिए यूज करी जाती हैं सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट दैट इज ऑप्शन ए दैट इज द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर स्पेशली नेक्स्ट है so,

सल्फाइड ऑर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है एंड नेक्स्ट आपके पास जो भी सैंड और मड रहता है वो डाउन द बॉटम जो है वो देखने को मिलता है यस नाउ द नेक्स्ट इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इसमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज जो है वो कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है सो ऑप्शंस हैं आपके पास दैट इज फ्लोथ फ्लोटेशन रोस्टिंग इलेक्ट्रोलिस या फिर तो मैं बता दूं यहाँ पे फ्रोज रोटेशन का यूज हम नहीं करते क्योंकि वहां पे सेपरेशन करी जाती है इलेक्ट्रोलिस्टिस भी यहाँ पे नहीं आएगा बी या डी में से जो है वो एक आंसर आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा सो यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे डी आ गया बट यहाँ पे जो है वो बी आंसर आएगा यस yes, रोस्टिंग जो है वो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे क्योंकि उसका यूज जो है वो कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है यस yes, बिल्कुल सही Okay, now the next question is, copper pyrites. जो है है वो ये भी metallurgy में ही use की जाती बट मतलब इसको अगले उसमें ये question डाल दूंगी वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूं इस चीज को फाइनांसिस में ही यूज की जाती है बट थोड़ा सा सिस्टम जो है वो यहाँ पे डिफरेंट रहता है ठीक सो so, पे है कॉपर पायराइड आर कंसेंट्रेटेड बाय कि जो कॉपर पायराइड्स है इज जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है उसको किस मेथड से हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैथड ग्रेविटी मैथड फ्लोटेशन प्रोसेस या फिर ऑल ऑफ दी अब मैथड्स सो बताओ इसका आंसर कॉपर पायराइड के केस में किस मेथड का यूज जो है वो किया जाता है यस yes, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके अलावा किसी और का कोई आंसर सो द राइट आंसर इज अरे कॉपर पायराइट है ना तो पायराइट में क्या होता है सल्फर रहेगा सी यू टू एस या फिर सी यू टू एस टू इस तरीके से चीजें होंगी तो वहां पे फ्लोटेशन प्रोसेस करो सल्फाइड है उसको तो अलग करो आपके पास चीजें अलग हो जाएंगी सो so दैट इज द्रोज फ्लोटेशन प्रोसेस इज द राइट आंसर यस ऑप्शन सी सही है नेक्स्ट है आपके पास इन द मेटलर्जी ऑफ जिंक फ्लक्स इज नॉट यूज बिकॉज तो जब हम जिंक की मेटलर्जी करते हैं मतलब जिंक को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे हम फ्लक्स को ऐड नहीं करते हैं ऐसा क्यों है क्योंकि जिंक के पास क्योंकि जो जिंक की और है उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होती है या फिर जिंक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है कि वो इजिली सेपरेट हो जाता है या फिर जिंक फ्लक्स के साथ रिएक्ट करता है ये जो फ्लक्स है वो, वो ही वॉलेटाइल इन नेचर है तो फ्लक्स से रिलेटेड तो यहाँ पे नहीं आएगा ऑब्वियसली बात है सो हेयर द राइट आंसर इज वॉट सभी का सही है दैट इज द ऑप्शन बी क्योंकि इंप्योरिटी रहती है तब भी तो उसकी और जो है वो जिंक ब्लेंडे है कैलामाइन है तो impurities तो प्रेजेंट रहती ही रहती है लेकिन हाँ ये सही है कि जिंक वॉलेटाइल होता है इसलिए इजिली जो है वो उसको हम क्या कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं सो दैट इज वाई ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही आंसर है नेक्स्ट चलेंगे मेन फंक्शन ऑफ द रोस्टिंग इज रोस्टिंग में हम क्या करते हैं volatile substances को रिमूव करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं रिडक्शन करते हैं या फिर स्लैग की फॉर्मेशन करते हैं बताओ गैंग के बारे में सभी को पता है ना उसके बाद गैंग में हम फ्लक्स को ऐड करते हैं उसके बाद आपके पास स्लैग बनती है सो आई थिंक स्लैग इज ऑल्सो द राइट मतलब स्लैग तो होगा नहीं यहाँ पे सो so यहाँ पे जो सही आंसर है रोस्टिंग क्या होता है जब भी हम uh, फर्नास को या गिवन ओर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन बहुत ज्यादा सप्लाई में सो यस हियर द राइट आंसर इज व्हाट यहाँ पे ना ऑप्शन बी से ही रहेगा इधर ए नहीं आएगा ऑप्शन बी आएगा कि हम वन ऑफ द टाइप ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज जो है वो वहां पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो चीजें रिएक्ट करती है ऑप्शन बी आएगा ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे ठीक है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर Now the next is question thirty four that is okay. Now the next is roasting is generally done in case of the following roasting जो है वो इनमें से किसके लिए करी जाती है ऑक्साइड ओर्स के लिए सिलिकेट के लिए सल्फाइड के लिए या फिर कार्बोनेटेड ओर्स के लिए तो इसका आंसर भी सभी को ही पता है दैट इज ऑक्साइड्स तो यहाँ पे नहीं होंगे रोस्टिंग जो है वो स्पेशली जब आपके एक तो मीडियम सीरीज वाले रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं और स्पेशली जो आपके लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले होते हैं वो एलिमेंट सल्फाइड ओर के साथ प्रेजेंट होते हैं सो हेयर द राइट आंसर इज वॉट दैट इज ऑप्शन सी तो वहां पे हम रोस्टिंग मेथड का यूज करते हैं येस yes, क्योंकि कैल्सिनेशन सी दैट इज फॉर द कार्बोनेटेड ओर्स और जब आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद जो है वो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है और इन ऑक्साइड्स की फर्दर जो है वो क्या करी जाती है स्मेल्टिंग करी जाती है जिसको आप क्या कहते हो रिडक्शन कहते हो ठीक सो so, ऑक्साइड्स तो यहाँ पे नहीं आएंगे सो दिस आर दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा नेक्स्ट है आपके पास हीटिंग ऑफ पाइराइड इन एयर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इज नॉन एड कि आप पाइराइट की क्या कर रहे हो हीट कर रहे हो इन एयर फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा yes. uh, I think सभी को इसका आंसर पता है, सो यस ठीक है क्योंकि यहाँ पे पायराइड भी प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास रिएक्शन हो रही है सल्फर प्रेजेंट है सो दैट इज वाई ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे पायराइट्स में सल्फर प्रेजेंट है सल्फर के लिए हम रोस्टिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो रही है अभी पिछले क्वेश्चन में पड़ा कि उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं सो हेयर द राइट आंसर इज वॉट दैट इज ऑप्शन ए रोस्टिंग इज द राइट आंसर यस ओके नाउ द नेक्स्ट इज विच इज नॉट बेसिक फ्लक्स इसमें से कौन सा जो है वो एक बेसिक फ्लक्स नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट लाइम देन सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड देन कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक फ्लक्स कौन सा नहीं है इनमें से तो बताओ इसका आंसर अब ना इसमें मेटल और नॉन मेटल वाला कंसेप्ट लगेगा तो उसके हिसाब से आंसर देना सोच के कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं तो यहाँ पे जो नॉन मेटल है वो कौन सा है

राइट आंसर नाउ ने प्रोसेसोलास ऑफ एयर प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर नन ऑफ दीज यस आई थिंक नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्योंकि बफरिंग हो रही है शायद से uh, यहाँ पे आंसर दो अभी कैल्सिनेशन जो है उसमें क्या होता है हीटिंग दर इन द एब्सेंस ऑफ एयर सो यस ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा बिल्कुल सही आंसर है. Yes, right है उसमें क्या होता है आपका किस टाइप की रिएक्शन होती है दर इज हीटेड इन द एबसेंस ऑफ एयर या ओर को ठंडा किया जाता है या फिर और को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर और चुके हैं ठीक सो so, यहाँ पे जो है, वो क्या रहेगा और प्रेजेंस ऑफ एयर है दैट मीन्स की आपके पास रोस्टिंग रहेगा ठीक और ओर को ठंडा तो किया नहीं जाता तो यहाँ पे क्या किया जाता है रिडक्शन करी जाती है मतलब कि ओर को पिघलाया जाता है सो दैट इज वाई ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या है बिल्कुल सही आंसर है यस वेरी गुड नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लैग इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको फ्लैग दे रहा है फ्लैग क्या होता है कि जब भी मान लो आपके पास एसिडिक गैंग है ठीक है और उसके साथ आप किसी बेसिक फ्लक्स को वहां पे ऐड कर रहे हो तो वहां पे किस चीज की फॉर्मेशन होती है स्लैग की फॉर्मेशन होती है जब एक कंपाउंड बन जाता है तो उस हिसाब से बताओ यहाँ पे सही आंसर जो है वो क्या रहेगा ओके ऑप्शन सी इसके अलावा किसी और का कोई आंसर सो यस ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या है बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल ठीक सभी का आंसर बिल्कुल सही है नाउ द लास्ट क्वेश्चन Used in of metal. और मुझे साथ में ना इस प्रोसेस का नाम भी बताना ठीक है सबसे पहले तो बताओ कि जो साइनाइड है उसको किसकी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है और मुझे इसकी प्रोसेस का नाम भी आप बताएंगे साथ में तो बताओ ऑप्शंस आपके सामने है टाइटेनियम है जिंक है टिन है सो टाइटेनियम गोल्ड एंड सिल्वर ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर किसके लिए यूज किया जाता है एंड वट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस बताओ टाइटेनियम के लिए और के लिए हम कौन सा यूज करते हैं द वॉन अर्कल ठीक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो तो yes, में चीजों को डिजॉल्व किया जाता है और वहां पे आगे एक्सट्रेक्शन की जाती है वेरी नाइस सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है सो ऑप्शन इज द राइट आंसर एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडे सो जाने से पहले सबसे पहले मुझे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप बताएंगे आई थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारी कम्प्लीट हो चुकी है सो so, इनऑर्गेनिक से तो कोई टॉपिक नहीं रहा है थैंक यू एवरी वन थैंक यू सो मुझे बताओ अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है या फिर फिजिकल स्टार्ट करनी है फिजिकल केमिस्ट्री ही स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स बताओ जल्दी से अपने आप दो टॉपिक्स बता दो मुझे हाँ जी फिजिकल ही स्टार्ट करेंगे ये तो ठीक है फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं बहुत टाइम से फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए भी नहीं है तो देख लो कौन से दो चैप्टर्स लेना चाहते हैं आप तो सबसे पहले मैं इसमें सुजेस्ट करूंगी कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर रख लेते हैं और साथ में इसके अलावा किसी और का सॉल्यूशन के अलावा कोई और सुजेशन हो किसी का इसके अलावा सॉल्यूशन क्योंकि मिलता जुलता चैप्टर लोगे तो फिर सही भी रहेगा शायद आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ना सेपरेटली करेंगे क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है एज तो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन भी एक ही होना चाहिए था बट फिर भी एक आप मुझे और टॉपिक बता सकते हो इसके साथ तो ऐसा करते हैं सॉल्यूशन के साथ मोल कंसेप्ट ले लेते हैं क्योंकि सम सेम ही चैप्टर रहता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगा

उसके बाद जो है आ जाएंगे यार क्वेश्चन इजी रहते हैं कितने भी टफ नहीं है सो so ये सारी चीजें जो है so दो चैप्टर है दैट इज दोल्यूशन और द मोल कंसेप्ट क्योंकि हर बार जब न्यूमेरिकल वाला पार्ट रह जाता है सो दीज टू आर इम्पोर्टेंट वन सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे नाउ द क्लास इज ओवर टू पल्लवी मैम जो आपको सी करवाएंगे Thank you so much and thank you for the session. हेलो स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल यस? आवाज आ रही है सबको क्लियर है वॉइस इफ यस देन, राइट यस इन द बॉक्स? यस? वॉइस इज ऑडिबल ओके स्टूडेंट्स so अभी आपने साइंस का टॉपिक किया अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सी डी पी के एमसी क्यूज वेरी गुड ओके तो सी डी पी के एमसी क्यूज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक कौन सा बोला था मैंने यस yes. किस टॉपिक पे हमारे एम सी क्यूज होंगे यस इंटेलिजेंस ठीक है इंटेलिजेंस के ऊपर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के हैं और बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी गुड निशा ठीक है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जितने भी कोई भी आपके डाउट्स हुए कुछ हो तो वो हम लास्ट में लेंगे ठीक है और साथ साथ भी पूछ सकते हो ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर करोगे मैं उम्मीद करती हूँ आपने एक बार थ्यूरीज को पढ़ा होगा सो लेट्स स्टार्ट द फैक्टर जी फर्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर जी इन द स्पीयर मैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर यस स्पीयरमैन जो थ्योरी है ठीक है उसमें दो फैक्टर्स दिए थे स्पीयरमैन ने तो क्या आंसर है जी फैक्टर किसको बोलते हैं इज दिस जेनेटिक इंटेलिजेंस जनरेटिव इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस या ग्लोबल इंटेलिजेंस व्हाट इज द राइट आंसर यस बिल्कुल सही सी जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा कौन सा था सचिन बिल्कुल वेरी गुड जनरल एंड स्पेसिफिक दो तरह की बात की थी उन्होंने दो तरह की इंटेलिजेंस है तो अभी हमारा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनरल इंटेलिजेंस इज द राइट ऑप्शन तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी वेरी गुड जिन्होंने सी लिखा है बहुत अच्छे अब देख लेते हैं इसको समझ लेते हैं दो तरह की इंटेलिजेंस होती है जनरल और स्पेसिफिक जनरल इंटेलिजेंस कौन सी होती है जो जनरली हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आती है जो हेरिडिटी से आती है वो होती है जनरल इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हर एक इंडिविजुअल में एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है फॉर एग्जाम्पल ये कौन है सबको पता है यस लता मंगेशकर जी तो इनके जो स्पेसिफिक एबिलिटी है वो है सिंगिंग ठीक है इसी तरह हम में से किसी ना किसी की कोई ना कोई स्पेसिफिक एबिलिटी है अपार्ट फ्रॉम दिस जो जनरल एबिलिटी होती है वो क्या है जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं मतलब डे टू डे लाइफ में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं जनरली वो सब में होती हैं ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे ये कौन है सचिन तेंदुलकर राइट ही इज अ क्रिकेटर ठीक है तो ही इज अ क्रिकेटर तो इनके जो स्पेसिफिक एबिलिटी है वो है क्रिकेट खेलना इसके अलावा और भी स्पोर्ट्स तो खेल ही सकते हैं मतलब वो क्या है जनरल एबिलिटी है स्पेसिफिक जो एक पर्टिकुलर है जनरल आप और कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो जो क्लियर है यस इफ क्लियर देन राइट इन द चैट बॉक्स क्लियर है सबको ओके okay. ठीक है इसी तरह से हम स्ट्रक्चर से भी देख लेते हैं ये है जनरल इंटेलिजेंस जो कि सब में होती है से, आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हो ओके जनरल एबिलिटी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है डे टू डे लाइफ में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं नंबर दो स्पेसिफिक जैसे किसी में वर्बल एबिलिटी है किसी में मैथमेटिकल एबिलिटी है ठीक है कोई बच्चा इंग्लिश में जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है कोई सिंगिंग में अच्छा होता है तो दैट इज द स्पेसिफिक एबिलिटी क्लियर है जनरल और स्पेसिफिक यस एनी डाउट इन दिस क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टू ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग बताएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विध विच डोमेन ऑफ ध्यान से पढ़ना थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस अब मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की गई है इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है पहले आप मुझे ये बताएं. लिखें चैट बॉक्स पे मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है यस yes. जल्दी से बताएं। हमने किया था लास्ट में। सचिन जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी जिनको नहीं पता आप अभी नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की अब क्वेश्चन क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस में भी एसोसिएटेड विद जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो होवर्ड गार्डनर की कौन सी थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है और उसमें से कौन सी इंटेलिजेंस है इसमें से है आपको इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल द राइट ऑप्शन नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस द राइट आंसर राइट आंसर इज वेरी गुड ए इज द राइट आंसर वाई ए इज द राइट आंसर क्योंकि इन्होंने इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल की बात की है इंट्रापर्सनल जो विद इन आवर थॉट्स एंड इमोशंस वी अंडरस्टैंड ठीक है अपने अंदर जो हम अपने थॉट्स एंड इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं इंटरपर्सनल क्या होता है जब हम दूसरों के थॉट्स एंड इमोशंस को समझ पाते हैं दैट इज इंटरपर्सनल तो इमोशन की बात हो रही है ना तो वो क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी किसकी है हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी ठीक है तो ए इज द राइट ऑप्शन ओके ठीक है है अब देख लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस जो ना उसके फाइव डोमेन्स हैं ये भी आप नोट डाउन कर ले ठीक है क्योंकि पेपर में कभी आ सकते हैं कि कौन कौन से फाइव डोमेन्स हैं अभी यू कैन नोट इट डाउन कौन कौन से हैं सबसे पहले नो योर इमोशंस अपने इमोशंस को जानना देन मैनेज योर इमोशंस ठीक है अपने इमोशंस को मैनेज करना मोटिवेट योर अपने आप को मोटिवेट करना मैनेज रिलेशनशिप्स ठीक है रिलेशनशिप्स को मैनेज ये भी इमोशंस का पार्ट है ना, Then recognize and understand others दूसरों के emotions को जानना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस की five domains है. Clear है? Yes. तो किससे रिलेटेड है ये है इंटरपर्सनल एज वेल एज इंट्रापर्सनल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आप लोग आंसर करोगे इंटेलिजेंस टेस्ट यस किसने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट पहला ऑप्शन है डेविड बैचलर अल्फर्ड बिनेट चार्लस एडवर्ड रॉबर्ट स्टर्नबर्ग यस व्हाट द राइट आंसर ओके बताएं और बताएं यस yes, बिल्कुल सही बी इज द राइट ऑप्शन अल्फर्ड बिनेट जो थे इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं ठीक है और इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया क्यों फर्स्ट इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया इनको क्या जरूरत पड़ी इंटेलिजेंस टेस्ट बनाने की इन्होंने देखा कि कुछ बच्चों का आई जो है वो कम होता है कुछ का ज्यादा होता है तो इसलिए टेस्ट बनाया गया कि उनके आई के अकॉर्डिंग उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको ट्रेंड किया जाए उनको वैसे ही लर्निंग दी जाए ठीक है इसलिए उन्होंने आईक्यू का टेस्ट बनाया इंटेलिजेंस टेस्ट राइट अल्फर्ट बीन बी इज द राइट ऑप्शन ठीक है ये है अल्फर्ट बीनेट जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया फर्स्ट और कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास यस और कौन से ऑप्शन है वैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं वैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ये भी है ने दिया है फिर आता है स्पीयरमैन स्पीयरमैन ने क्या दिया है एडवर्ड अभी बताया जनरल और स्पेसिफिकेबिलिटी की बात की है ठीक है इन्होंने भी इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है देन मतलब टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं इनकी थ्योरी को क्या बोलते हैं स्पीयर की टू फैक्टर थ्योरी ओके देन आता है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस दिया है इंटेलिजेंस इन्होंने? इन्होंने की, की बात की है ये भी आप नोट डाउन कर लें पहली है एनालिटिकल देन क्रिएटिव देन प्रैक्टिकल एनालिटिकल इंटेलिजेंस कौन सी होती है जो लोग बहुत ही एनालिटिकल होते हैं जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड होता है जिनका ठीक है बहुत ज्यादा प्रॉफिट लॉस मेरा कहां फायदा हो सकता है कहां नुकसान हो सकता है वो सब सोचते हैं दैट इज एनालिटिकल इंटेलिजेंस देन आता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं ठीक है क्रिएटिविटी जैसे आर्किटेक्ट हो गए ठीक है क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो अपने ही एक्सपीरियंस से सीखते हैं राइट देन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस स्मार्ट होते हैं ठीक है थीके? दूसरे लोगों को कन्विंस कर लेते हैं इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत होती है और ये प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं दैट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ठीक है तो तीन तरह के इंटेलिजेंस जो है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है तो उनकी थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या बोलते हैं थ्योरी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और स्पीयरमैन की टू फैक्टर जिसमें जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी की बात होती है और हमारे फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया अल्फर्ट बिनेट एंड नंबर फोर वैश्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वैश्लर ने इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया जिसमें तीन तरह से इन्होंने क्वेश्चन बनाया है ठीक है तीन तरह से टेस्ट नोट क्वेश्चन करना है वो इन्होंने बताया है पहला इन्होंने वर्बल एबिलिटी को चेक करने के लिए बनाया है फर्स्ट पार्ट सेकंड बनाया है नॉन वर्बल एंड थर्ड बनाया है ठीक है किस तरह से ये तीन तरीके से हम किसी बच्चे की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं ठीक है क्लियर है यस yes. तो ये थे हमारे इंटेलिजेंस जिन्होंने टेस्ट दिए हैं साइकोलॉजिस्ट क्लियर है चलिए नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज डिवेल आप लोग बताएंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है वेरी इजी हमने बहुत बार इनकी बात की है अभी यस व्हाट इज द राइट ऑप्शन पहला है देन हॉवर्ड गार्डनर फ्रांसिस गैल्टन बी एस व्हाट इज द राइट आंसर यस यस yes, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक वेरी गुड जिन्होंने बी आंसर ऑप्शन बताया है हॉवर्ड गार्डनर हॉवर्ड गार्डनर है इनकी थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की आठ तरह से इन्होंने थ्योरी दी है आठ तरह की इंटेलिजेंस बताई है बी ऑप्शन ठीक है हॉवर्ड गार्डनर एट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है इसीलिए इनकी थ्योरी को मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं एंड अल्फर्ड बिनट अगेन अल्फर्ड बिनट क्या है जिन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया है और और हमारे पास क्या जिन्होंने डोमेन की की बात की है है ठीक उसमें क्या है उसमें सबसे लोअर लेवल है रिमेंबरिंग ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग ठीक है पहले किसी चीज को याद करना फिर अंडरस्टैंड करना देन उसको अप्लाई करना फिर उसके बाद इवेलुएट करना ठीक है आपने जो सीखा है उसको कैसे करोगे कि आपने सही सीखा है या गलत सीखा है फिर उसके बाद कुछ क्रिएट करना कुछ नया इनोवेटिव करना ठीक है फिर आता है फोर्थ अब ये भी समझ लेते हैं. जो थे, इन्होंने साइकोमेट्रिक के ऊपर काम किया साइकोमेट्रिक 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 क्या है मेट्रिक का मतलब होता है मेजर करना मतलब इन्होंने असेस की अलग अलग चीज़ें हमारे अंदर जो होती हैं नंबर वन इंटेलिजेंस ठीक है नंबर टू पर्सनैलिटी फिर एटीट्यूड फिर एप्टीट्यूड तो इसके लिए अलग अलग जो टेस्ट होते हैं असेस करने के लिए उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंस को पर्सनैलिटी को हमारे अंदर जो बिलीव uh, सिस्टम होता है ठीक है एटीट्यूड है एप्टीट्यूड है तो ये ये फाउंडर थे किसके साइकोमेट्रिक के इन्होंने असेसमेंट के लिए बहुत सारे फॉर्मल फॉर्मल टेस्ट बनाए। टेस्ट कौन से? जैसे जो क्वेश्चन क्वेश्चन होता होता है, है, राइट? उसमें इंटेलिजेंस की हमारा एटीट्यूड एप्टीट्यूड तो किनों ने दिया फ्रांसिस गैल्टन ठीक है तो साइकोमेट्रिक के जो फाउंडर है वो है फ्रांसिस गैल्टन क्लियर है yes? okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आप लोग बताओगे मैच तो फॉलोइंग स्पीयरमैन स्पीयरमैन का बताइए अच्छा राइट right ऑप्शन बताएं कौन सा आएगा स्पीयरमैन ने क्या दिया थर्स्टन स्टर्नबर्ग एंड गार्डनर व्हाट इज द राइट ऑप्शन ध्यान से पढ़े इसको अभी हमने स्पीयरमैन का देखा स्टर्नबर्ग को भी हमने अभी पढ़ा है कौन सी थ्योरी दी है इन्होंने गार्डनर का भी हमने देखा यस व्हाट इज द राइट ऑप्शन वेरी गुड ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट ऑप्शन कैसे स्पीयरमैन हमने अभी पढ़ा दो एबिलिटीज दी है जनरल और स्पेसिफिक ओके थर्स्टन थर्स्टन ने सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी है इसको भी आपको याद करना है सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ठीक है और स्टर्नबर्ग अभी हमने देखा तीन तरह की इंटेलिजेंस की बात की है एनालिटिकल क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल जो हमने अभी ट्रायंगल किया था तो दैट इज थ्योरी बाय स्टर्नबर्ग रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इनका पूरा नाम है देन आता है गार्डनर गार्डनर ने आठ तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की so right है ठीक है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन क्लियर है यस इजी है तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी तो अच्छे से करना ठीक है जी चलिए फोर्थ इज द राइट ऑप्शन यस अभी हमने यहां पे देखो Thurston की बात की है जो उन्होंने दी मेंटल एबिलिटीज अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, इसको भी आप note down कर सकते हो, क्या है Recognition? मतलब recognize एक बच्चा जो है वो कैसे या कोई भी इंडिविजुअल है किस तरह से चीजों को रेकोगनाइज करता है ठीक है Recognition वाली ability, then logical classification. हम कैसे चीजों को categorize करते हैं विजुअल स्पेशल मैंने उस दिन बताया था दिशाओं का ज्ञान ठीक है जिनको दिशाओं का ज्ञान होता है दैट इज स्पेशल जैसे आर्किटेक्ट हो गए राइट उसके बाद मैथमेटिकल एंड वर्बल ठीक है तो सात तरह की ये मेंटल एबिलिटीज है जो थर्स्ट ने दी okay, है ओके क्लियर है चलिए ऑफ मेंटल एज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अब आप लोग बताएंगे मेंटल एज की किसने बात की है नंबर वन थॉर्नडाइक साइमन यस इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वेरी गुड डी इज द राइट ऑप्शन मेंटल एज की बात किसने की है साइमन ने ठीक है ओके इसको समझ लेते हैं डी इज द राइट ऑप्शन पहले देखते हैं मेंटल एज क्या होता है मेंटल एज क्या होता है किसी भी बच्चे का मतलब है मेंटल एबिलिटी क्या है ठीक है एक पर एक बच्चे की मेंटल एबिलिटी चाइल्ड मेंटल एबिलिटी अब कैसे पता चलेगा मेंटल एबिलिटी कितनी है उसको हम कंपेयर करेंगे मान लो आठ साल का बच्चा है उसकी हमने मेंटल एबिलिटी जान ली है तो उसकी मेंटल जो एबिलिटी है मेंटल एबिलिटी वो आठ साल के जितने भी बच्चे हैं उनकी जो एबिलिटी आएगी मेंटल एज आएगी उसका जो एवरेज है उससे हम कंपेयर करेंगे दैट इज मेंटल एज ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड ठीक है तो इट मेंटल एज क्या है द चाइल्ड मेंटल एबिलिटी इन कंपेरिजन टू एवरेज चाइल्ड ऑफ द सेम एज के जो बच्चे हैं उनकी जो मेंटल एबिलिटी है उससे हम कंपैरिजन करेंगे राइट right? तो और होता है क्रोनोलॉजिकल एज सेकंड होता है क्रोनोलॉजिकल एज वो क्या होता है जो किसी की एक्चुअल एज होती है दैट इज द क्रोनोलॉजिकल एज ओके तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन बाकी भी हम देख लेते हैं थॉन डाइक गिली कर लिया जनरलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी ठीक है थॉन डाइक और, और गिलफोर्ड का हम देख लेते हैं थॉन डाइक आप नोट डाउन कर सकते हैं अगेन मेन की पॉइंटाउन थोन डाइक ने कौन सी इंटेलिजेंस की थ्यूरी पे बात की है उन्होंने मल्टी फैक्टर थ्यूरी दी है थोन डाइक ने तीन चीजों की बात की है की तीन तरह की इंटेलिजेंस है दैट इज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एबस्ट्रेक्ट इंटेलिजेंस सोशल इंटेलिजेंस ठीक है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कौन सी है जब हम बच्चों को प्ले वे से सिखाते हैं एक्टिविटी से सिखाते हैं उनके सामने कोई चीजें पड़ी हैं तो उनको वो चीजें उनके सामने होती हैं उससे हम उनको एक लर्निंग देते हैं ठीक है थीके? फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कौन सी है कुछ ऐसी चीजें जब थोड़ा सा बच्चा और बड़ा होता है तो वो अपने माइंड में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देता है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ठीक है और फिर आता है सोशल इंटेलिजेंस मतलब जब हम लोगों से इंटरक्ट करते हैं किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं वो जो इंटेलिजेंस डिवेलप होती है दैट इज सोशल इंटेलिजेंस तीन तरह से बात की है है राइट एक एक आता है, एक और क्या है गिलफर्ड गिलफर्ड अब गिल्फर्ट ने क्या दिया है जो गिलफर्ड है इन्होंने भी इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल दिया है क्या है कंटेंट प्रोडक्ट और ऑपरेशन अभी आप नोट no डाउन कर सकते हो तीन चीजों की बात की है कंटेंट को हम किस तरह से विजुअलाइज करते हैं ठीक है और किस तरह से सुनते हैं कैसे सिंबल की फॉर्म में हम यूज करते हैं कंटेंट को ठीक है एक ह्यूमन माइंड कैसे यूज करता है देन प्रोडक्ट की उसका आउटकम क्या आता है देन ऑपरेशन मतलब हम माइंड में माइंड का फंक्शन क्या है कैसे हम फंक्शन करते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं चीजों को कैसे देखते हैं हम ठीक है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है हमारी वो किस में आता है ऑपरेशन में ठीक है तो तीन तरह से इन्होंने बताया है कंटेंट प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई क्यू में बी डिफाइंड एज आई क्यू की क्या फॉर्मूला है जल्दी से बताएं वट इज द फॉर्मूला ऑफ आई क्यू वट इज द राइट ऑप्शन यस स्वर्ण निगी ए और बाकी भी बताए वेरी गुड ए इज द राइट ऑप्शन यस मेंटल एज नोट डाउन कर सकते हैं मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है और बिल्कुल सही किसी ने बताया टर्मन किसने दिया ये फॉर्मूला टर्मन ने दी ठीक है मेंटल एज हमारी डिवाइडेड बाय क्रोन इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं ठीक है अभी क्वेश्चन और भी आएगा मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ आई क्यू ओके सो इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिन ऑफ चाइल्डिंग जो है वो किन की थ्योरी में आता है थ्यूरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में है तो किनों ने दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस बॉडिली का क्या होता है जिनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सीबल होती है ठीक है जो अपनी बॉडी को बड़ी इजिली मोल्ड कर सकते हैं तो वट इज द राइट ऑप्शन सर्जन या लीडर द राइट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन वेरी गुड ठीक है किस तरह से देख लेते हैं हम जैसे सर्जन है अब उनको फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ चाहिए उनकी हैंड मूवमेंट्स में चाहिए अब वो सर्जरी कर रहे हैं अगर हैंड मूवमेंट ढंग से नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है तो मतलब सर्जन जो है वो बॉडीली काइनेस्थेटिक की कैटेगरी में आते हैं और जो है उनको क्या चाहिए स्पीच जो अच्छी स्पीच देते हैं ठीक है ठेके? तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उनकी जरूरी है पॉलिटिकल लीडर है वो भी भाषा भाषण देते हैं तो मतलब क्या है उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है और जो पोएट है उनकी भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन बॉडीली काइनेस्थेटिक किन में होनी जरूरी है सर्जन ठीक है क्लियर है चलिए नेक्स्ट है द फॉलोइंग थ्री एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर डेल्ट बाय स्टर्नबर्ग ट्राय थ्योरी एक्सेप्ट स्टर्नबर्ग की ट्राय थ्योरी जो हमने की है उसमें बताइए कौन सी है इंटेलिजेंस जिनकी उन्होंने बात नहीं की है अभी हमने क्या बात की थी एनालिटिकल और प्रैक्टिकल और तीसरा कौन सा क्रिएटिव ठीक है तो आप लोग बताएंगे आंसर व्हाट इज द राइट ऑप्शन उन, उनको छोड़ के कौन से बीच में नहीं है बताइए yes. नहीं बी नहीं है बताइए क्या आंसर आएगा इसका यस निशा वेरी गुड सी इज द राइट ऑप्शन अब आप बोलेंगे मैम आपने तो एनालिटिकल प्रैक्टिकल क्रिएटिव ये तीन बताए थे स्टर्नबर्ग की थ्योरी में तो ये कहां से आ गए कॉन्टेक्चुअल कॉम्पोनेंशियल एक्सपीरियंशियल तो वो अभी हम समझ लेते हैं जो मैंने अभी बताया था कि इन इन्होंने तीन तरह की इंटेलिजेंस की बात की एनालिटिकल ठीक है एनालिटिकल का दूसरा नाम है आप अभी नोट डाउन कर सकते हैं क्या नाम है कॉम्पोनेंशियल कॉम्पोनेशियल क्रिएटिव इंटेलिजेंस इसका दूसरा नाम है एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंशियल ओके प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या नाम है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस दूसरा नाम क्या है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है तो क्या है क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं द फॉलोइंग थ्री एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टर्नबर्ग ट्रायार्किक थ्योरी एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन सा नहीं है उसकी थ्योरी में कंटेक्चुअल हमने देखा है कॉम्पोनेंशियल है सोशल नहीं है ठीक है एक्सपीरियंसियल भी है तो सोशल इज द सी इज द राइट ऑप्शन ओके ठीक है तो इसके और भी नाम है तीन एनालिटिकल को कॉम्पोनेंशियल बोलते हैं क्रिएटिव को एक्सपीरियंसियल प्रैक्टिकल को कंटेक्चुअल क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ेंगे गार्डनर फॉर्म्युलेटेड अ लिस्ट ऑफ एट इंटेलिजेंस टेस्ट एट इंटेलिजेंस उन्होंने दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम कौन सा नहीं है स्पेशल इमोशनल इंटरपर्सनल लिंग्विस्टिक आप लोग बताएंगे जल्दी से यस व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आठ तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस है जल्दी से बताएं यस राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द राइट ऑप्शन व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ठीक है बी इज द राइट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन उन्होंने स्पेशल की बात भी की है इंटरपर्सनल भी लिंग्विस्टिक भी बट इमोशनल की बात नहीं की है इमोशनल की जगह क्या बोला है उन्होंने इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल तो बी इज द राइट ऑप्शन ओके तो सबको आंसर करना है सो so दैट हम उसको डिस्कस कर सके ये नहीं सोचना कि गलत ना हो जाए यू हैव टू राइट डाउन ठीक है आपको लिखना है बॉक्स पे तो बी इज द राइट ऑप्शन बी बी की बात उन्होंने नहीं की इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं की उन्होंने ठीक है चलिए बी इज द राइट ऑप्शन ये है आठ तरह की इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटरपर्सनल लिंग्विस्टिक लॉजिकल नेचुरलिस्टिक इंट्रापर्सनल स्पेशल एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस ठीक है इसमें कोई इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं की गई नेक्स्ट है ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टेन इफ अ चाइल्ड मेंटल एज अभी हमने फॉर्मूला किया अब यहाँ उसका एप्लीकेशन है ठीक है इफ अ चाइल्ड मेंटल एज ऑफ फाइव इन मेंटल एज पांच साल है क्रोनोलॉजिकल एज चार साल है तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होगा यस yes. फॉर्मूला क्या है हमारे पास आईक्यू कितना होगा बताइए वेरी गुड व्हाट इज द राइट आंसर मेंटल एज कितनी है फाइव क्रोनोलॉजिकल एज मैंने बताया क्या होती है क्रोनोलॉजिकल एज जो एक्चुअल एज होती है ठीक है मान लो एक्चुअल एज चार है किसी बच्चे की मेंटल एज पांच है तो आई क्यू क्या आ जाएगा द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वन ट्वेंटी फोर किसने लिखा है वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव ए इज द राइट ऑप्शन ओके चलिए नेक्स्ट इज वट इज द नंबर ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट एनालाइज बाई कटेल एक पर्सनैलिटी का पी वाई क्यू है आप लोग बताएंगे कटेल के पर्सनैलिटी फैक्टर है टोटल कितने हैं यस बेन स्ट्रॉक्स वेरी गुड सिक्सटीन यस सिक्सटीन ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने पर्सनैलिटी ट्रेट दिए हैं कटेल ने सिक्सटीन पर्सनैलिटी फैक्टर इसका बहुत आता है जिसमें एक बच्चे की पर्सनैलिटी हम जान सकते हैं तो कितने फैक्टर्स असेस कर सकते हैं फैक्टर्स ठीक है इज तो द राइट ऑप्शन ठीक है ये सारे पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं सोलह ओके बहुत सारे पर्सनैलिटी जैसे कि रिजर्व है बच्चा या फिर इंट्रोवर्ट है कितना आउट गोइंग है बहुत सारे फैक्टर्स हैं टोटल हमारे पास है यहाँ पे सिक्सटीन ठीक है इसको याद रखना है आपने नेक्स्ट है ध्यान से पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू गार्डनर्सरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस देखो गार्डनर के पीवा के बहुत सारे so, -aware. अपने ही इमोशन के प्रति अवेयर होना बताओ कौन सी इंटेलिजेंस है म्यूजिकल इंट्रापर्सनल स्पिरिचुअल या लिंग्विस्टिक वट इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेल्फ अवेयरनेस मल्टीपल इंटेलिजेंस में जब सेल्फ अवेयरनेस की बात होती है मतलब अपने ही इमोशंस के प्रति सजग होना यस यस पूजा मिश्रा बिल्कुल सही बिल्कुल सही इंट्रापर्सनल इंट्रापर्सनल मींस वेन यू आर अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस ठीक है इमोशंस फीलिंग्स मूड सो बी इज द राइट ऑप्शन सी इज रॉन्ग ऑप्शन नॉट स्पिरिचुअल देखो उन्होंने कोई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात नहीं किया अभी हमने सीखा आर्ट इंटेलिजेंस में से हमने बताना है जब सेल्फ अवेयरनेस की बात आती है अपने प्रति अवेयरनेस होती है अपने मूड के प्रति अपने इमोशंस अपने थॉट्स मुझे कैसा फील हो रहा है तो, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ओके चलिए नेक्स्ट <coughs> है देखिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यहां पर कोई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात नहीं और जिन्होंने सी आंसर दिया इट्स अ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर कौन सा इसमें से 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 है? है, की की आठ आठ मल्टीपल इंटेलिजेंस में ये जो हमने अभी आप ध्यान देख सकते हो इसमें से कौन सा है बताइए स्किल एथिक्स म्यूजिक या क्रिएटिविटी द राइट ऑप्शन ऑप्शन बिल्कुल सही म्यूजिकल इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की है वेरी गुड दिस रॉन्ग ऑप्शन क्रिएटिविटी की बात नहीं की है इन्होंने म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात की अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे विच ऑफ दार्टलर डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस बहुत ही फेमस डेफिनेशन है वेशलर की तो कौन से इसमें से डेफिनेशन है बताइए जेंस आइकोनिक मेमरी एंड एलिटिक इमेजिनिंग एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विदेंट स्पेशलिटीज राइट ऑप्शन जल्दी से बताएं वट इज द राइट ऑप्शन वेस्टर डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस लिखे चार्टॉक्स पे ये बी इज रोंग और कोई बताए जल्दी से बताएं यस ए इज ऑल्सो रॉन्ग अब आप ऐसे तो सभी बता दोगे अब कोई डी लिखेगा कोई सी लिखेगा व राइट right है राइट right ऑप्शन है सी सी इज द राइट ऑप्शन कैसे देखिए इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट ऑफ द ग्लोबल कैपेसिटी ये डेफिनेशन बहुत बार आती है ठीक है पेपर में एक इंडिविजुअल टू एक्ट तीन चीजें हैं इसमें इनके डेफिनेशन में कुछ भी पेपर में आ सकता है ठीक है पहला पॉइंट है कि कैसे कोई इंडिविजुअल पर्पसफुली एक्ट करता है नंबर दो थिंक रैशनली कैसे हम रैशनली सोचते हैं लॉजिकली सोचते हैं नंबर दो ठीक है थर्ड है डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट जो कि क्वेश्चन में पूछा गया ठीक है तो ये तीन चीजों में से कोई भी आ सकता है डेफिनेशन में तीन चीजें एक्ट पर्पजफुल थिंक रैशनली एंड थर्ड इज थर्ड क्या है हमारे पास डील दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गिवन बाय बर किसकी डेफिनेशन इंटेलिजेंस की क्लियर है यस चलिए नेक्स्ट है हमारे पास जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी वाज बाय जल्दी से बताए अल्फर्ट पीनेट स्पियरमैन राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वेरी गुड स्पीयरमैन स्पीयरमैन ने जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर की बात की ओके क्लियर है चलिए नेक्स्ट हमारे पास विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स विजुअल स्पेशल क्या होता है स्पेशल इंटेलिजेंस जिनको दिशाओं का ज्ञान होता है ठीक है जिनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन द कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली ठीक है चीजों को इमेजिनेशन करना अच्छे से ठीक है विजुअल उनकी स्ट्रांग होती है स्पेशल इंटेलिजेंस होती है सेंसिटिविटी टू रिदम पिच मीटर टोन अब बताओ टोन मेलोडी ये तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है ठीक है द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड क्रिएट स्टोरीज

नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एटीन गार्डनर थ्यूरी ऑफ इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू बोथ द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट अब ध्यान से इसको पढ़ना अबिलिटी टू मैन्युपी एंड रेफर टू एस ठीक है जहां बॉडीली बॉडी जो है फ्लेक्सीबल होती है तो क्या आएगा लॉजिको मैथमेटिक्स क्या इसमें लॉजिकल एबिलिटी यूज होती है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बोलते हैं इंटरपर्सनल या लिंग्विस्टिक राइट ऑप्शन ऑप्शन सही वेरी गुड वेरी गुड राइट ऑप्शन नंबर बी ठीक है फ्लेक्सीबल होती है ठीक है तो मैन्युपुलेट बोथी एंड ऑब्जेक्ट दिस इज बॉडिली का ओके नेक्स्ट है हमारे पास देखो जैसे ऋतिक रोशन जो डांसर्स होते हैं जिमनास्ट्स होते हैं तो उनका क्या होता है बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है कैसे भी बॉडी को मोल्ड कर सकते हैं ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ना है सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली 매च्ड पेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड एंड स्टेट पॉसिबिलिटीज एज पर द थ्योरी ऑफ हॉवर्ड गार्डनर ठीक है आपको बताना है कौन सा तो इसमें मैच है सही पहला है इंटेलिजेंस कौन सी लॉजिको मैथमेटिक्स अब जो लॉजिकली बहुत होते हैं जैसे मैथमेटिशियन हो गए ऑप्शन तो क्या, की करने में, हो? Right right क्या है सही पेयर है दूसरा पेयर देखते हैं हम स्पेशल जिनमें दिशाओं का ज्ञान होता है एथलीट अब एथलीट तो भाई जिनकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होती है मोल्ड कर लेते हैं तो बताओ एथलीट में कौन सी इंटेलिजेंस होती है कौन सी होती है इंटेलिजेंस जो एथलीट्स होते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक एंड लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक मतलब जिनको भाषाओं का ज्ञान होता है ठीक है जो लिंग जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है नेविगेटर अब नेविगेटर तो इनको स्पेशल इंटेलिजेंस दिस इज अ रॉन्ग पेयर फिर इंटरपर्सनल जो दूसरों के इमोशंस को समझते हैं ठीक है थीके? तो डांसर अब डांसर्स तो उनमें बॉडली काइनेस्थेटिक होते तो दिस इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन तो वेरी गुड जिन्होंने ए ऑप्शन लिखा है सो तो ए इज द राइट ऑप्शन ठीक है लॉजिको मैथमेटिक्स मतलब जो जिनमें मैथमेटिकल एबिलिटी होती है लॉजिकल और रीजनिंग एबिलिटी होती है ओके चलिए ए इज द राइट ऑप्शन तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज एज फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग ये मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था बताइए कौन है हॉवर्ड गार्डनर है डेविड वेस्लर है पीटर सोलोवे और अल्फर्ड बिनट यस वट इज द राइट ऑप्शन वट इज द राइट ऑप्शन ओके सुमन सोनी डी ऑप्शन और डी ओके यस डी इज द राइट ऑप्शन वेरी गुड ए इज रॉन्ग डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है हॉवर्ड गार्डनर ने तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है हम बात कर रहे हैं कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कौन है तो कौन है अल्फर्ट बिनट ठीक है अल्फर्ट बिनट हमने अभी किया इन्होंने पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया था और वेस्टलर जो है इन्होंने मैंने बताया था वर्बल नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस तीन तरह के टेस्ट दिए थे किसी बच्चे की इंटेलिजेंस को जानने के लिए और हॉवर्ड गार्डनर ने आठ तरह की इंटेलिजेंस दी है अब रह गए पीटर सोलवे किसकी बात है इमोशनल इंटेलिजेंस की ओके पीटर सोलोवे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की इन्होंने पीटर ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो पेपर में एज इट इज फैक्ट पूछ लिया जाता है ओके तो ये थे आज के हमारे ट्वेंटी क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ऑन मंडे अभी के लिए कोई डाउट है एनी डाउट यस ऑल क्लियर ऑल क्लियर तो जितने भी हमने फैक्ट साथ में करते हैं तो आप साथ साथ नोट डाउन कर लें कई बार एग्जैक्ट ही पूछ लिए जाते हैं टोटली फैक्ट्स क्लियर है यस yes? चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में ऑन मंडे गुड बाय हैव अ नाइस डे